हाई एवरी वन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन के सोल्यूशन्स द क्वेश्चन ऑफ विच वर आस्ट इन ओपन मॉक टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड ऑन ट्वेल्थ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ओपन फॉर ऑल एंड इट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आई होप आप सबने इसको अटैम्प्ट कर लिया है इन सोल्यूशंस को देखने से पहले नाउ एनवायरमेंट में से देवर फिफ्टीन क्वेश्चन एंड फाइव ईच वर मीडियम ईजी एंड डिफिकल्ट ठीक है ताकि आपका जो आ, आपको पता चल जाए कि अगर आपके ईजी क्वेश्चन मिस हुए हैं सो यू नीड टू रियली आप योर प्रेपरेशन और अगर आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन मिस हुए हैं यू कैन स्टिल मेक पीस विद द फैक्ट कि चलो ये डिफिकल्ट थे और मेरे ये गलत हो गए राइट दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ टैगिंग क्वेश्चन एज ईजी मीडियम एंड डिफिकल्ट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ना दिस इज रिगार्डिंग कैरिकल नाउ इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द करेंट अफेयर्स आपको पता होगा कि कैरिकल हैज़ बीन इन न्यूज़ कंसिस्टेंटली इसमें इससे रिलेटेड देवर थ्री स्टेटमेंट्स एंड आपको बताना था इनमें से कौन सी करेक्ट है राइट right? ओके okay. पहली स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर द सेंट्रली स्पॉन्स की डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जिसमें तीन कॉम्पोनेट्स हैं और उसका एक कॉम्पोनेट स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है जिसमें इसको एड किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट iucn status is critically endangered hai, and it is also included in the schedule 1 of wildlife protection act of 1972. now the correct answer is 1 and 3. now second statement is wrong even though it has been included in the list of critically endangered species. Hai na? critically endangered species under the species recovery program which is a component of integrated development of wildlife act. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्टिल जो इसका आई यू सी एन स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ना होकर लीस्ट कंसर्न है तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कैरकल के बारे में पता होनी चाहिए एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ना कैरकल इज़ अ वाइल्ड कैट ठीक है ये आपको ना एरिड सेमी एरिड जगहों पे मिलता है फॉर एग्जाम्पल ये आपको कच्छ रीजन में मिल जाएगा या आपको एम पी के कुछ पार्ट्स में मिल जाएगा ठीक है so, सो वहाँ पे अब जो कैरेकल है ना इट इज़ तो अ वाइल्ड कैट इसकी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये कैथी मेरिल है ठीक है मोस्टली ना ये नॉक्टर्नल है मतलब इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट लेकिन हम इसको कैथीमेरिल भी कहते हैं क्योंकि कभी ये रात को भी एक्टिव होता है कभी ये दिन में भी एक्टिव होता है कैथीमेरिल वो एनिमल्स होते हैं जो जिनको हम क्लियर कट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये डायोनल है या ये नॉकटर्नल है ठीक है तो हम उनको कैथीमेरिल कह देते हैं ठीक है इज़ ऑल्सो वन मोर कैटेगरी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट इज़ क्रेपिसक्यूलर जो कि डॉन या डस्क के टाइम पर एक्टिव होते हैं नंदिलेस नो दिस इज ज कैरिकुलस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता है कि रिसेंटली जो ट्वेंटी टू स्पीशीज की लिस्ट है उसमें uh, इसका नाम ऐड किया गया है मतलब इट इज इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द ट्वेंटी टू स्पीशीज अंडर द स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट है अब दूसरी चीज ये है कि ये इसका मैंशन और भी बहुत जगह है जैसे आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल अबुल अबू फसल का अकबर नामा में टूटी नामा में ऐसी जगहों में इसका मेंशन है ना वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज के इसके ना ये टफ डेड इयर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि ना इसे सेंसिटिव बनाते हैं तो इट कैन ईजिली प्रे प्रे अपॉन द जिसके ऊपर भी ये प्रे करता है फॉर एग्जाम्पल ना इट इज़ सो फ्लेक्सीबल कि ऐसा माना जाता है कि ये जंप करके अपनी जो प्रे है उनको पकड़ लेता है ठीक है एंड लाइक अट के इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट मोस्टली लेकिन दिन के टाइम पर भी ये उतना ही एक्टिव है ठीक है अब न्यूज़ में इसी था मेजरली बिकॉज इट हैज़ बीन इंक्लूडेड द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इन स्पीशीज ठीक है अच्छा उसके बाद नॉकटर्नल है प्राइमेरिली बट लाइक आई सेड अ टर्म इज़ यूज दैट इज कैथी मेरिल फॉर दिस वन राइट नो इट ऑल्सो हैज अबिलिटी टू कैच बर्थ्स इन फ्लाइट ठीक है काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है और लाइक आई एट दैट इट इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ही ये मिलता है लेकिन पहले ये आपको थर्टीन इंडियन स्टेट्स में मिलता था नाउ इट इज़ जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू यू नो राजस्थान कच्छ एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विच आर सेमी एरिड ठीक है आई यू सी इन स्टेट लीस्ट कंसर्न शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स में अपेंडिक्स वन फॉर एशियन पॉपुलेशन फॉर अदर्स इट इज़ अपेंडिक्स टू मतलब एशिया में इसके जो नंबर है दे हैव रिड्यूस्ड अलॉट पहले आपको मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया बहुत जगह पे मिलता था अब एशिया में इसके नंबर हैव रिड्यूस्ड अलॉट ठीक है अफ्रीका वगैरह में अमेरिका में भी ये मिलता है राइट इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन एक्चुअली विजिट दिस लिंक ये आपको पी डी एफ में मिल जाएगा राइट right? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है आपको बताना है उनके बेसिस पे कौन सी स्पीशीज़ हैं विथ स्पीशीज आर इन कंसिड्रेशन दीस फोर Again, a very easy question, right? Pehli hai, also known as Pterocarpus santalinus, it is an endemic tree of South India. it is found in tropical, dry, deciduous forest of Palakonda and Sheshlav Chalam hill ranges of Andhra Pradesh and in Tamil Nadu and Karnataka. It grows in rocky, degraded, and fallow lands with red soil and hot and dry climate. IUCN has put it under the category of near threatened. ड्यू टू डिम्पलिंग पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल फेलिंग एंड स्मगलिंग एंड इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक इम्यूनिटी मेडिसिन फर्नीचर रेडिएशन अब्जॉर्बिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फूड डाइस स्पाइसिज आयुर्वेदा सीधा मेडिसिन डेकोरेटिव एंड ऑर्नमेंटल पर्पजेस ठीक है सो बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स आपको बताना था कौन सी इनमें से सही है बहुत ईजी सवाल था अगर आपने रेड सैंडर्स का नाम सुना हुआ है यू नो दैट इट इज एंडमिक ट्री इवन अगर आप इसका जो साइंटिफिक uh, नेम भी देखते हो तो भी आपको सेंटल इनस से आइडिया हो जाता है कि सैंडलवुड है ठीक है उसके बाद ये आपको मिलता uh, जैसे ट्रॉपिकल ड्राइड एसिडस फॉरेस्ट में मिलता है आई यू सी एन स्टेटस नियर थ्रेटेड पहले इन डेंजर था अब इम्प्रूव होकर नियर थ्रेटेंड हो गया है ऑल ओ टैम वेरी ईजी रेड सैंडर्स ठीक है सो दिस इज रेड सैंडर्स इसको रेड सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब लाइक आई सेट के ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज रेड सैंडर्स टास्क फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन में कुछ रेड uh, सैंडर के लॉक को किया था सीज बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट अ रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स ठीक है जो कि बेस्ड आउट ऑफ तिरुपति है ठीक है उसके बाद अगर हम रेड सैंडल्स के बारे में जाने जो कि हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट इट इज़ एंडमिक टू साउथ इंडिया हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट वैल्यूड फॉर इट्स कलर बिकॉज इट्स रेड रेडन कलर तो ऑर्नामेंटली ये यूज़ होता है ठीक है उसके बाद कॉन्जर्वेशन स्टेटस देखो नियर थ्रेटेंड है और अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स ठीक है मतलब इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए मतलब इसकी जो ट्रेड है एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जो होती अगर ये साइट्स वन में साइट्स uh, के अपेंडिक्स वन में ये होता ठीक है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बाद ना एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ वाइट सैंडलवुड के बारे में जैसे ना रेड सैंडलवुड जो होता है इसको ना डेसिडस ट्री माना जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस एरियाज में माना जाता है वाइट सैंडलवुड थोड़ा और ट्रॉपिकल uh, एरियाज में उगता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन केरला कर्नाटका है ना उन एरियाज में वाइट सैंडलवुड का जो आई स्टेटस है ना वो वनरेबल है और वाइट सैंडलवुड इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि उसका एक सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ ठीक है विच इज़ कॉस्ट बाय ऑफ बैक्टीरियल पैरासाइट ठीक है जो कि इंसेक्ट वेक्टर होते हैं उनसे फैलता है मतलब जैसे आपने सुना होगा मलेरिया है मलेरिया भी इंसेक्ट फैक्टर से फैलता है वैसे ही वो एक बैक्टीरिया है फाइटोप्लाज्मा, जो कि uh, फैलता है थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स ठीक है सो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है इन केरला एंड कर्नाटका इन फैक्ट कर्नाटका में ज्यादा था सो सैंडलवुड स्पाइक डिजीज वॉज इन यूज इन विच वाइट सैंडलवुड ट्रीज वर इफेक्टेड सो यू शूड नो दैट ऑल्सो ठीक है सो दिस इज हाउ यू मेक लिंकस और बहुत सारी लिंक्जेस आप बना सकते हैं ट्रस्ट भी ऑन डैट राइट ओके दैन अनादर क्वेश्चन इज आपको वॉटर बॉडी आइडेंटिफाई करनी है इन नेटिव लैंग्वेज इट्स नेम ट्रांसलेट्स टू इनहेबिटेड बाई एलिफेंट्स इट्स असाम ओनली रामसर साइड आई थिंक दिस इज अज गिव अवे अगर आपने रामसर साइट्स को अच्छे से पढ़ा है इट इज़ कैटेगराइज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेटलैंड टाइप अंडर द बर्मा मॉनसून फॉरेस्ट बायोजियोग्राफिक रिजन इट्स अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन अ फॉर्मल चैनल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर टू द साउथ ऑफ मेन रिवर ठीक है ना इज होगा यहाँ पे विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट सो ये ऑप्शन से अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है रामसर साइट्स के बारे में सो द करेक्ट आंसर इज दीपोर बिल विच इज आसाम साइट इनफैक्ट इंडिया में वी हैव नाउ फोर्टी सिक्स रामसर साइड्स और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर, सिर्फ तीन है असम में एक है दीपो और बिल वी हैव लोक तक इन मणिपुर एंड वी हैव रुद्रसागर इन त्रिपुरा ठीक है तो बहुत ही uh, कम नंबर है एज फार एज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ कंसर्न ठीक है सो ये मैप भी है आपके पास जो आपको बताना चाहिए दीपोर बिल और ये लोकतक है और त्रिपुरा में हमारे पास रुद्र सागर लेक है ठीक है सो दौर बिल की अगर हम बात करें सो so इसको लेक ऑफ द एलिफेंट्स कहा जाता है राइट और यहाँ पे आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं जो इसके इन एंड अराउंड रहती हैं ठीक है एंड इट्स शेप resembles अ एलिफेंट्स फुटप्रिंट लेकिन अभी बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लैंड हैज़ बीन रिक्लेम्ड अब जहाँ पर वेटलैंड था वहाँ पे अब अर्बनाइजेशन है और लैंड है तो वहाँ पर आपकी जो शेप है दैट हैज़ बीन ऑल्टर्ड ग्रेटली राइट अगेन इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट

सो अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दी करेक्ट आंसर इज बोथ राइट अभी जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन है प्रोटेक्टेड एरियाज का अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था आई एव ऑल्सो कवर्ड इट इन द टू मिनट सीरीज ठीक है उसका भी लिंक अटैच्ड है अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं अब इसमें क्या होता है बेसिकली ना जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे देश की उनको असेस किया जाता है और देखा जाता है कौन सी अच्छे से मैनेज हैं और uh, उन जो अच्छे से मैनेज हैं उससे जो बाकी हैं दे कैन लर्न फ्रॉम देम ठीक है एंड दे कैन इम्प्रूव अपॉन देयर मैनेजमेंट सो द आइडिया इज़ टू कंजर्व द बायोडावर्सिटी विच इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ नेशनल पार्कस एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ठीक है सो ये जो असेसमेंट है uh, ये इट वॉज अडोप्टेड फ्रॉम आई यू सी एन वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेलुएशन तो आई यू सी एन के अंडर एक वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज आता है उनका अपना मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्यूएशन है और इंडिया ने भी उसी से डिराइव किया है ठीक है सो वी हैव थर्टी मेन इंडिकेटर्स अंडर सिक्स एलिमेंट्स ये सब कुछ आई हैव कवर्ड इन दू नो इन द लेक्चर ऑन एम ई पी ए विच इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब अब ये जो हर सपोज एक हेडलाइन इंडिकेटर है ना उसको भी रैंक किया गया है कि अगर तो जैसे वेरी गुड है तो स्कोर टेन होगा ठीक है अगर पुअर है तो स्कोर टू पॉइंट फाइव होगा ठीक है आप हर एक प्रोटेक्टेड एरिया को लेते हो और उनको थर्टी हेडलाइन इंडिकेटर्स में उनको रेट करते हो कि ये इंडिकेटर में ये अच्छा है ये में ये पुअर है एंड सो एंड सो सोफोर तो आपके पास ये स्कोर हो जाएगा फिर यू टोटल स्कोर थ्री हंड्रेड फिर उसमें से uh, निकाला जाता है टोटल स्कोर ऑफ़ दैट प्रोटेक्टेड एरिया ठीक है फिर रेटिंग्स है जैसे अगर आपको यू नो पुअर है तो मतलब अप टू फोर परसेंट फोर्टी परसेंट है आपका स्कोर ठीक है सो ऑल ऑफ दैट ना अगर हम बात करें फाइंडिंग्स की तो दुनिया भर में जो ग्लोबल एवरेज है वो फिफ्टी सिक्स परसेंट है लेकिन हमारी जो एवरेज आई है पूरे देश की वो सिक्सटी टू पॉइंट जीरो वन आई है सो वी आर एट अ बेटर प्लेस और अगर हम बात करें बेस्ट की तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश इनका हाईएस्ट एम स्कोर है 84.17 परसेंट का और टोटल इन यूपी का लीस्ट है ऑफ 26.66 मतलब जो 26.66 है वो पोअर में आता है बिकॉज एनीथिंग अंडर 40 परसेंट इज व अगेन यू कैन फॉलो द लिंक सो दिस इज़ द टेबल तो ग्रेट हिमालयन और तीर्थन दोनों का स्कोर अच्छा है और इन फैक्ट जो एटी है जो थर्ड नंबर पर है वो भी हिमाचल की ही वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी uh, है और लीस्ट की बात करें तो हमारे पास वी हैव टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका ट्वेंटी राइट नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग हाइड्रोजन तो ये भी काफी न्यूज में था अब आपको बताना है विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड ब्लू हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रे गोल्ड गैसिफिकेशन ब्राउन नेचुरल गैस ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है अगेन अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और ग्रीन हाइड्रोजन ना बहुत न्यूज़ में रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या ठीक है सो ग्रीन हाइड्रोजन है जो डिराइव होता है रिन्यूएबल एनर्जी से अब देखो वी ऑल नो हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल लेकिन वो किसे डिराइव हो रहा है वो भी तो मैटर करेगा अगर आप उसको डिराइव हो कोल क्लासीफिकेशन से सो इट विल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट दैट क्लीन ठीक है तो जो कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन बनती है उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है जो नेचुरल गैस से बनती है उसको ग्रे कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन है जो जहाँ पे कार्बन इमिशन्स रिलीज होंगे इन दी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन दे आर अगेन अब्जॉर्ब्ड दे आर री यूज दैट इज़ ब्लू ग्रीन इज दान विच इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एनी वेज यहाँ पे जो आंसर है वो नन ऑफ दी अबव होगा ठीक है अब देखो मैनुफैक्चरिंग हाइड्रोजन फ्यूल इज एनर्जी इंटेंसिव उसमें एनर्जी लगती है एंड देयर आर बाय प्रोडक्ट्स ठीक है सो बायो ब्राउन हाइड्रोजन है जो कोल गैसिफिकेशन से आती है नेचुरल गैस से जो आती है वो भी सिग्निफिकेंट कार्बन इमिशन जनरेट करती है उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन है, है जहाँ पे जो कार्बन इमिशन रिलीज हो रही है ना दे आर अगेन री एंड दे आर यूज रीयूज ठीक है दे आर कैप्चर्ड एंड दे आर रीयूज ठीक है बट सबसे क्लीन हम ग्रीन हाइड्रोजन uh, को मानते हैं क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है विदाउट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग कार्बन इमेशन इन द फर्स्ट प्लेस तो चार तरह की हाइड्रोजन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए देन लेट्स मूव ऑन टू द मीडियम पार्ट सो दिस इज रिगार्डिंग हीट डोम अगेन इन न्यूज सो तीन स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है कौन सी सही है हीट डोम आकर्स वेन द एटमोस्फेयर ट्रैप्स हॉट ओशन एयर लाइक अ लिट और अ कैप कीट डोम इज क्रिएटेड ओवर अ वाटर बॉडी ओनली यहाँ पे ओनली वर्ड पर ध्यान देना है दी हो ही डोम्स कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फ्यूल टू वाइट फायर्स रैंड अगेन हीट डोम हैज़ ऑल्सो बीन कवर्ड इन द टू मिनट सीरीज इन डिटेल अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पर जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा वन एंड थ्री क्योंकि सिर्फ वाटर बॉडी पे ये नहीं बनता है इट इज़ एक्चुअली लाइक अ लिड ठीक है एक लिट की तरह है जहाँ पे जो एटमोसफेयर है दैट हैज़ ट्रैप्ड दी हॉट ओशन एयर लाइक अ लिट और अ कैप ठीक है सो काफ़ी जो टेम्परेचर्स हैं एकदम से बढ़ गए एंड नॉर्थ अमेरिका में इट वॉज एक्सपीरियंस दैट इज वाई इट वॉज़ इन न्यूज ठीक है सो ड्यूरेशन लास्ट अ वीक इफेक्ट ये है कि जिनके पास ए सी नहीं होते उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव कंडीशन हो जाते हैं उसके बाद वाइल्ड फायर्स ड्रॉट दे ऑल्सो अकर ठीक है एंड दे हैव बीन लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज फॉर श्योर सो दिस इज इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अ मास ऑफ वार्म एयर इट बिल्ड्स अप इन स्टिल एंड ड्राई समर कंडीशंस ठीक है तो वो ऊपर जाता है बट ऊपर हाई प्रेशर है तो वो उस एयर को नीचे भेज देता है जिसकी वजह से वो एयर कंप्रेस होती है और फर्दर वार्म हो जाती है तो एक डोम लाइक -like और एक कैप लाइक कंडीशन बन जाती है नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कोलार लीफ नोस्ट पैट इसमें भी आपको तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कौन सी सही है इट इज एंडेमिक टू इंडिया इट्स आई यू सी एन स्टेटस इज क्रिटिकली इंड इंडेंजर्ड इट बिलोंग्स टू शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू ठीक है तो इसमें वन एंड टू सही है एंडेमिक uh, है इंडिया को एक ही केव से मिला है ठीक है तो ऑब्वियसली इट इज एंडमिक आई यू सी एन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये नहीं आता इनफैक्ट ना बैट्स को वर्मिन कंसिडर किया जाता है ठीक है आइडियली तो जिसका आई यू सी एन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उसको शेड्यूल वन में आना चाहिए लेकिन ये नहीं आता ठीक है so, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए सो इट इज़ एंडमिक टू इंडिया ये सिर्फ अभी तक कर्नाटका की एक के में मिला है इन हनुमान हाली विलेज ठीक है So, ज़्यादा कुछ नहीं पता एक्सेप्ट दैट इट इज़ फाउंड इन सब टेरनियन केवस और यू you नो know, ये केव्स बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटड uh, होती हैं इन एक्सेसिबल होती हैं ठीक है इवन इफ देर इज एन ओपरिंग दैट वुड भी दैट वुड बी ऑब्सक्योर तो इनको इन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है तो यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं दे हैव नॉट बिन एडुकेटली स्टार्टिड तो उसी में एक कोलार लीव नोस्ट बैट है और बिकॉज ऑफ दीज लीव्स इट इज़ नोन एज लीव नोस्ट बैट राइट आई स्टेटस इज क्रिटिकली इन डेंजर्ड एंड इट इज थ्रेटन ड्यू टू इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग लेकिन अभी इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल रन में नहीं आता वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है और दूसरी चीज है बिकॉज बैट से आर कंसिडर हिस्स वर्मिन तो वर्मिन है तो कौन से शेड्यूल में आते होंगे वो आपको पता होना चाहिए तो इसलिए विद द एक्सेप्शन ऑफ टू स्पीशीज़ बट नॉट द स्पीशीज़ तो क्योंकि ये बैट है तो ये बाय डिफॉल्ट हम इसको वर्मिन ही मानेंगे uh, अभी कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद बैट कॉन्जर्वेशन इंडिया ट्रस्ट इसको प्रोटेक्ट करने की बात करिए ताकि ये इलिमिनेट ना हो जाए एक्सटिंक्ट ना हो जाए राइट बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसको देख लें क्योंकि इस बार पेपर में इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि रिसेंटली ही इसके ऊपर आर्टिकल्स आए थे और थोड़ा सा अप्सक्योर है हो सकता है कि आप इसे मिस कर दें देन ओशन हेल्थ इंडेक्स के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं अगेन आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है ओशन हेल्थ इंडेक्स प्लस असेसमेंट्स आर इंडिपेंडेंटली लेड असेसमेंट्स यूजिंग द प्लस फ्रेमवर्क डाटा कंडक्टेड बाई एनी ग्रुप एक्सटर्नल टू दी ओ एच आई टीम दीज अट्स आर ऑफन कंडक्टेड एट नैशनल एंड कॉन्टिनेंटल स्केल्स टू अस दस दैट अब इसमें जो सही आंसर है वो है वन ओनली नो यू हैव ओशन हेल्थ इंडेक्स ठीक है अब ये जो ओशन हेल्थ इंडेक्स में प्लस असेसमेंट्स हैं ना ये बेसिकली जो कंडक्ट की जाती हैं ये रीजनल और लोकल लेवल पे कंडक्ट की जाती हैं ताकि हम रीजनल और लोकल लेवल पे ओशन की हेल्थ का पता कर पाएँ हम पता कर पाएँ कि क्या जो ओशन रिसोर्सेज हैं हैव दे बीन यूज सस्टेनेबली बिकॉज एज ह्यूम वी रिक्वायर ओशन रिसोर्सेज और जिस तरह से हम एक्सप्लॉटेटिव वे में उनको यूज़ कर रहे हैं वन डे वी लैंड अप नॉट हैविंग एनी थिंग टू यूज ठीक है सो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है सो द पॉइंट बींग ओशन हेल्थ इंडेक्स ये जो असेसमेंट्स हैं इस ओशन हेल्थ को ही असेस करती हैं बट ये जो ओ एच आई प्लस असेसमेंट्स है ये रीजनल और लोकल लेवल पर कंडक्ट की जाती है नॉट एट द नेशनल एंड कॉन्टिनेंटल लेवल्स एंड यू नो दिस आर डन इंडिपेंडेंटली ठीक है फ्रेमवर्क है हमारे पास बट अलग लोग इनको असेस करते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट uh, हों और आपको सही चीज़ें पता कर पाएं ठीक है सो द आइडिया इज टू स्टडी ऑल द डायमेंशंस ऑफ द ओशन हेल्थ ठीक है इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल टू नो कि कितना uh, जो रिसोर्सेज है उनको हम सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं ठीक है सो so, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए नथिंग मच टू स्टडी इन दिस दे नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अब आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं स्पेशली अंडर द प्रेशर ऑफ द एग्जाम सो इसको ध्यान में रखना है ओके okay. पहली स्टेटमेंट है बोथ स्ट्राटोस्वेरिक एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ऑब्जॉर्ब आई आर रेडिएशन डिप्लीशन ऑफ स्ट्राटोस्वेरिक ओजोन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कॉजेज वार्मिंग इफेक्ट बोथ ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्राटोस्वेरिक ओजोन आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट डे क्लाइमेट चेंज ना अगर आप इन स्टेटमेंट्स को देखो तो so, वेरी easily वेरी conveniently यू कैन कम एट the conclusion दैट द फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट नो वी ऑल नो दैट दोनों ही स्ट्रेटोस्फेरिक और ट्रोफोस्फेरिक जो ओजोन है दोनों ही आयर रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है अभी वो डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्स्टांसेस है ना सो बिकॉज इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड यहाँ पे कूलिंग होती है ठीक है वेर एज ट्रोफोस्फेरिक ओ इज इंक्रीजिंग इन दोपोस्फेयर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन है ना जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो वो जब इंक्रीज हो रही है वो वहाँ पे आया रेडिएशन को अब्सॉर्व करेगी तो वार्मिंग इफेक्ट होगा सो दैट इज गिविंग यू पॉजिटिव रेडिएटिंग इफेक्ट ठीक है सो डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लीड्स टू कलिंग इफेक्ट ये सही है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन तो वो अब्जॉर्ब नहीं करेगी आया रेडिएशन को एंड दट बिलीड टू द कलिंग इफेक्ट ठीक है ट्रॉप वेरी क्लोन इज कॉजिंग वार्मिंग इफेक्ट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये ओके देन नेक्स्ट इज ग्रीन वॉशिंग अगर आपने टर्म सुनी हो तो आपको बताना है ग्रीन वॉशिंग होता क्या है सो यूज ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट्स फॉर वाइट वॉश प्रोसेस ऑफ लैंड रिक्लेमेशन अंडर द एजेस ऑफ यू एंड डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन विन ग्रीन मार्केटिंग इज डिसेप्टिवली यूज

जो कंपनीज हैं वो नहीं करती रिसाइकल इन द एंड अप इन ओशंस दिस इज वॉट ग्रीन वॉशिंग इज देट यू आर एक्चुअली कन्विंसिंग द पीपल कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटली फेवरेबल है जबकि वो नहीं है ठीक है सो इट इज डिराइव फ्राम द टर्म वाइट वॉश सो आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट्स हैव बीन करेक्टली मैच्ड विद दियर रिस्पेक्टिव स्टेट्स भिंडवास गुजरात थोल हरियाणा धवाना गुजरात सस्थम कोटा तमिलनाडु ठीक है आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है तो ऑप्शन भी लिमिटेड ही हैं तो सारी तो करेक्टली मैच्ड नहीं है ठीक है सो इसका जो करेक्ट आंसर है अब देखो भिंडवाज इज इन हरियाणा थोल इज इन गुजरात वधवाना इज इन गुजरात सस्तम कोटा इज इन केरला इनफैक्ट अभी रिसेंटली ही मैंने केरला के प्रोटेक्टेड एरियाज पे वीडियो बनाया था उसमें भी आप कवर्ड दिस सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ओनली देखो 46 है हमारे पास वेटलैंड्स और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है वेटलैंड्स के गेस में कोई लीवे नहीं है यू शुड नो कौन सी स्टेट में कितने हैं कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा है कौन सी स्टेट में है ही नहीं ऑल ऑफ दैट राइट ओके देन लाइक इज अ टेक्निक यूज टू डिटामाई रेट ऑफ डी ऑफ एन इकोसिस्टम एज ऑफ रॉक एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ ठीक है सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है नो अगेन अगर आपने लाइकोनोमेट्री के बारे में पढ़ता पढ़ा हुआ है देन इट वुल बी इजी फॉर यू अगर नहीं पढ़ा है सो यू कैन ऑलवेज मेक अ कैलकुलेटेड गैस बट नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए राइट स्टिल टाइम फॉर द एग्जाम सो द करेक्ट आंसर हेयर इज एज ऑफ एक्सपोस्ड रॉक सर्फिस सो ये जैसे लाइकन्स हैं बिकॉज ई कैन सर्वाइव फॉर सो मेनी ईयर्स ठीक है so years, तो उनका डायामीटर देख के हम पता कर सकते हैं कि कितनी एज होगी इन रॉक्स की राइट सो दैट प्रोसेस इज लाइक ए नो मिट्री देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नाइट्रोजन यूज एफिशेंसी इसके बारे में भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी नहीं इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ द अप्लाइड नाइट्रोजन दैट इज अब्जॉर्ब्ड एंड यूज बाई प्लांट सेकेंड इज अ हायर नंबर डिनोट्स लो वेस्टेज ठीक है सो दोनों ही सही लग रही है नाम से ही सही लग रही है बट नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए अब देखो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स फार्मर्स अप्लाई करते हैं लेकिन क्या जितना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वो अप्लाई करते हैं सारा ही प्लांट ऑब्जॉर्ब करता है नहीं जितना वो ऑब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन यूज एफिशेंसी तो अगर हायर एफिशेंसी होगी है ना मतलब ज़्यादा ऑब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट ज़्यादा यूज़ कर रहा है ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स तो यू वुड नो कि एफिशिएंसी इज़ मोर है ना एंड वेस्टेज इज़ लेस ठीक है वेस्टेज कैसे होता है कि जो फर्टिलाइज़र अब्जॉर्ब नहीं होता दैट इज़ गोइंग टू वाटर बॉडीज़ इन दी फॉर्म एंड लीडिंग टू यूट्रोफिकेशन ना एन टू ओवन जाता है विच इज़ एन ग्रीन हाउस गैस लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग ठीक है ऑल ऑफ दैट इसमें ना बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे क्रॉप्स जनरली यूज थर्टी परसेंट ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अप्लाइड रेस्ट इन्वायरमेंट में जाता है इफेक्टिंग दी हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट राइट और एग्रीकल्चर लीड्स टू सेवेंटी परसेंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन इन इंडिया सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ दिस इज फर्टिलाइजर्स मोस्टली यूरिया ठीक है सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन टू ओ इमिशंस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इनफैक्ट ये तीन सौ टाइम्स इंपॉर्टेंट है कार्बन uh, डाइऑक्साइड से एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड मीथेन एज द से लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन विच इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ठीक है सीरियल सिक्सटी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम करते हैं राइस टॉपिंग विथ थर्टी ठीक है अब यूरिया ये अमोनिया इमिट करेगा जो हार्मफुल है ठीक है एन टू ओ प्रोड्यूस करेगा विच इज अ ग्रीन हाउस गैस ठीक है तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हिमालय सेरो इसके बारे में भी आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कौन सी सही है दे आर अर्बी वोज दे आर इंक्लूडेड इन द रेड लिस्ट आई यू सी एन रेड लिस्ट वनरेबिल कैटेगरी दे आर फाउंडिंग द ट्रांस हिमालयन रिजन सो इसका भी अगर आपको सही आंसर पता करना है सो द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओनली ट्रांस हिमालयन में नहीं मिलता ये हिमालयन रीजन में मिलता है सो सैरो कुछ ऐसा दिखता है सो इट्स अ क्रॉस बिटवीन अ काओ एंड अ गोट ठीक है गोट डोंगी का और पिंक के जैसा लगता है एंड इट वॉज स्पॉटेड इन असाम तो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़ ठीक है सो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बस आई यू सी एन स्टेटस देखिए अर्बी वोज है ये ठीक है हिमालय रीजन में मिलते हैं अब ही इनका आई यू सी एन स्टेटस वनरेबल है पहले नियर थ्रेटिंग था मतलब नंबर्स हैव डिक्रीज शेड्यूल्ड वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट अपेंडिक्स वन राइट बिकॉज आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में दैट इज वाई वी एव इंक्लूडेड इन द टेस्ट सीरीज ताकि अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसके बारे में सुनिए और पढ़िए राइट फाइनली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोस के बारे में दे आर दी ओनली राइनोस फाउंड इन इंडिया लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज आई यू सी एन रेडलेस्ट एंड डेंजर दे, 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 दे so, आर you know, so, दी ओनली ओम्यूवरस राइनोस ठीक है सो अगेन आप अपना आंसर मार्क करिए अगर इफ़ यू नो इफ वट एवर यू हैव मार्क्ट सो द करेक्ट आंसर इज वन एंड टू ओनली बिकॉज दे आर तो दी ओनली राइनोस विच आर फाउंड इन इंडिया इनफैक्ट फैक्ट में जो हमारा काजीरंगा है टू थर्ड ऑफ द वन हॉड राइनोज़ आर फाउंड इन आसाम ठीक है काजीरंगा में मैक्सिम है बट अभी uh, जो हमारे पास काजीरंगा और पॉपितरज आप मिलते हैं उनको मूव किया जा रहा है मा मानस नेशनल पार्क में ताकि नंबर्स इंक्रीज़ हो इनके लाइक अंडर दी इंडियन राइनो विजन विच वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड एंड फाइव ठीक है सो द गोल इज़ टू इंक्रीज द रनो पॉपुलेशन इन असाम टू थ्री थाउजेंड बाई इस्टेब्लिशिंग पॉपुलेशंस इन न्यू एरियाज अभी कुछ ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड है राइट सो दिस इज़ दी वन हॉन्ड राइनो और इसका जो आई यू सी एन स्टेटस है ना वो वनरेबल है ठीक है इट इज़ वनडरेबल अपेंडिक्स वन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है सो वो सारी चीज़ें तो है ही उसके बाद यू ऑल्सो हैव एशियन सॉरी न्यू डेली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज ऑफ टू थाउजेंड एंड नाइन्टीन जिसमें पाँच राइनो रेंज नेशंस ऑफ एशिया साइंडड ठीक है सो ये ना हर हमारे पास जो डिफरेंट स्पीशीज़ है लाइनो की आई थिंक पाँच हैं उनके उनके आई ओ सी एन स्टेटस अब देख लीजिए ये कावर्ड दिस इन नॉ यूट्यूब ऑल्सो तो इन केस आपको वहाँ से देखना है वहाँ से भी देख सकते हैं ठीक है एंड फाइनली अगर आपको लिंक है तो हमने लिंक भी शेयर किया हुआ है यहाँ पर ठीक है सो पी डी एफ वुड बी देय फॉर यू टू वॉच ऑल द डाउनलोड द पी डी एफ एंड यू कैन हैव एक्सेस टू ऑल द लिंक्स ठीक है सो दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्कशन ऑफ द इन्वायरमेंट क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में तो दोस्तों ओपन मॉक था आपने अटेम्प्ट किया बढ़िया अटेम्प्ट किया क्वेश्चंस के डिस्कशंस करने भी ज़रूरी है रैपिडली जो यहां पर डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चंस को वही तीन पार्ट्स में डिवाइड किया इजी मीडियम डिफिकल्ट इजी मीडियम डिफिकल्ट सिर्फ और सिर्फ उस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना आता है ठीक है दोस्तों अगर आपको मुश्किल सवाल आता है तो आपके लिए ईजी हो गया अगर आसान सवाल भी आपको नहीं आता वो डिफ़िकल्ट हो गया लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बारीकियां हैं यहाँ पर जो बारियों बारीकियों पर अगर हम ध्यान दें सिंपल चीज़ को मुश्किल बना देते हैं मुश्किल को आसान ठीक है दोस्तों तो चलिए पहली जैसी चीज थी नॉन नॉनजीबल टोकन एन की बात हो रही है का दोस्तों मतलब क्या होता है कि कि एक्सचेंजिबिलिटी मैं मैं कोई चीज अगर अगर आपको example, मैं अगर आपको फॉर मनी पकड़ाता हूं सौ रुपए की तो सौ रुपए की लेट से मैं चाय पत्ती खरीद लाया ठीक है पे के पेन खरीद लाया बुक खरीद लाया तो वो चीज किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकती है वो सौ रुपए का नोट तो फंजिबिलिटी है एनएफटी कह रहे हैं कि नहीं अगर आपके पास कोई मीम है मान लीजिए आपने कोई मीम क्रिएट किया बहुत वायरल हो गया जिसकी वैल्यू बढ़ गई ठीक है ऐसे कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो जो अदरवाइज देखें तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का तो कोई ओनर कितना मुश्किल है डिसाइड करना कि मीम किसने क्रिएट किया कहां ढूंढेंगे लेकिन जो ओरिजिनल ओनर है वही सिर्फ उसको रखे चाहे उसके रेप्लिकाज बनते रहे कॉपीज़ बनते रहे लेकिन ओरिजिनल वाला मीम किसके पास है वो फंजिबल नहीं है ठीक है नॉन फनजेबल मतलब रेडिली इंटरचेंज नहीं हो सकता यूनिक है क्योंकि वो तो इसीलिए फंजीबिलिटी की डेफिनेशन पर ही बात यहां पर आई एक्सचेंजेबिलिटी की डेफिनेशन की बात आई एन नॉन फनजीबिलिटी किस पर चलती है इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होती यूनिकनेस पे जैसे सौ रुपए का नोट एक सौ रुपए का नोट दूसरे पर के नोट से जो डिफरेंट नहीं है नंबर डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है इसीलिए फंजिबिलिटी वहां पर रहती है बाकी एन बन रहे हैं वो बन ही इसलिए रहे क्योंकि यूनिक है वो ओके नेक्स्ट एस अगेन न्यूज में था तो यहां पर प्राइवेट एंटिटीज़ एस नहीं रख सकती ये बात सही है वैल्यू ऑफ एस हर रोज़ चेंज होती है बात सही है तो वन एंड टू ठीक है बहुत जगह पर आ रहा है आई एम एफ बास्केट यूज़ करते हैं वो कह रहे हैं यूएस डॉलर की हाईएसट बात सही चाइनीज एन विम भी लोएस्ट नो ठीक है ये बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए यूएस डॉलर यूरो चाइनीज इन है ना चाइनीज एन ग्यारह है अगर यूएस डॉलर अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी टू परसेंट है यूरो जो हमारा थर्टी वन परसेंट वेटेज रखता है चाइनीज येन मैंने आपको पहले भी बताया है जो जो हमारा यूआन है सॉरी वो दैट इज इलेवन परसेंट ठीक है रेन मिम्बी को बोला जाता है यूपीएससी पूछ चुका है उसके बाद आते हैं आपके जापनीज यन एंड जो आपके ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो आता है आपका एट परसेंट वेटेज रखते हैं वो लोएस्ट बन जाती है बात तो अकॉर्डिंगली आपने बात गलत नहीं करनी एंड देन लार्जेस्ट एवर एस डी आर एलोकेशन रिसेंटली हुआ पोस्ट कोविड कंट्रीज को पैसा मिला बहुत सारा तो उसी कारण ये क्वेश्चन भी यहाँ

एंड जो सामान आपकी कंट्री में बना होगा उसको हम फ्री आने जाने देंगे अपनी कंट्री में लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया यूएई के साथ यूएई दुबई है ना यूएई के साथ एक एफ टी साइन करता है कि आपके सामान को हम फ्रीली आने जाने देंगे लेकिन यूएई इन टर्न पाकिस्तान से बहुत सामान खरीद रहे हैं एंड वो पाकिस्तान के सामान को अगर हमारे बोले कि यू बोले कि तो सर हमारे यहीं के सामान है इंडिया बेचना शुरू कर दे इंडिया कहेगा सर आप बताइए इसके ऑरिजन कहाँ हुआ था तो रूल्स ऑफ ऑरिजन इसलिए एफ में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कितना परसेंट आपका सामान

ये सी रूरल में कैप्चर नहीं किए जाते प्लीज इस चार्ट को हमेशा ध्यान में रखेगा मैंने आपको बार बार लेक्चर्स में पढ़ाया है तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं ओके चलिए नेक्स्ट रिसेंटली फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क 2016 में लाया गया था इसको रिवाइज किया गया है एंड दो पाँच साल की बात हुई थी 2021 आ गया रिवाइज हुआ तो टारगेट सेम रहा तो यहां पर गलती नहीं करनी जैसे दो पर प्लस माइनस चार एक्स एट्रा आपको लग सकता है ल्यूक्रेटिव की कुछ हुआ था मुझे याद आ रहा है नहीं ज़्यादा हम यहां पर तंग नहीं होंगे ओवर थिंक करके क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे ऑलाइट मीडियम की तरफ बढ़ते हैं वो कह रहे हैं कि आरबीआई की इंसेंटिव कब बढ़ता है गोल्ड खरीदने के लिए कि वो गोल्ड अपने रिजर्व में रखना शुरू कर दे बाकी चीजें नहीं ठीक है जब पहली बात यूएस डॉलर अप्रिशिएट शार्पली अगर दोस्तों यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है तो हम टेंडेंसी होगी ना हम डॉलर ही रख लें क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है डॉलर रखते हैं अपने उसमें संभाल कर शेयर बाजार में देखते हैं जिस स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही होती है आप उसको चाहते हैं खरीदना कि कल फायदा देगा है ना तो इसीलिए अगर यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर रहा होता तो हम गोल्ड ना खरीदते तो इसलिए अगर यूएस डॉलर अगर डेप्रिशिएट अगर डिक्रीज कर रहा होता तो हम खरीद लेते हम तो हम क्या करते यूएस डॉलर के डेप्रिसिएशन में हम गोल्ड खरीदते हैं ना कि अप्रीसिएशन में तो वो कह रहे हैं कि क्या यूएस जब अप्रिशिएट करता है तब हम गोल्ड खरीदेंगे नहीं सर ठीक है तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई इंसेंटिव नहीं हमारा डिसइंसेंटिव हो जाएगा ठीक है दोस्तों ओके तो दूसरी ऑप्शन यहां कह रही है यील्ड्स जो है जो ट्रेजरी बॉन्ड्स पर अप्रिशिएट अगर दोस्तों यील्ड्स बढ़ती हैं तो बॉन्ड की प्राइस घट जाती है तो बॉन्ड की प्राइस घट रही है तो मैं नहीं चाहूंगा उसको खरीदना मेरा मन करेगा मैं सर मुझे कुछ और दिखाइए प्राइस घट रही है चीज की ये नहीं मुझे खरीदना ठीक है तो मैं गोल्ड चाहूंगा खरीदना दैट मीनस ये ऑप्शन सही लग रही है कि अगर बॉन्ड की प्राइस घटती है तो हम गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं आरबीआई ने भी दो ही फैक्टर्स रहे आरबीआई ने कहा कि एक तो यूएस डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है ठीक है डिप्रिसिएशन एंड बॉन्ड प्राइसिस जो हमारी जो बॉन्ड पर है बढ़ती जा रही है

ऑप्शन बचती है देख लेते हैं थर्ड टाचेस बाई पीपीपी ये बात भी सही है तो ठीक है हमारा आंसर सही जा रहा है इंडिया का फॉरेस्ट जो फॉरेक्स है रिसेंटली एक ट्रिलियन डॉलर अरे नहीं सर 500 बिलियन डॉलर 600 बिलियन डॉलर क्रॉस हुआ था ठीक है एक ट्रिलियन क्रॉस नहीं हुआ बहुत दूर है तो वन एंड फोर आर रॉन्ग गेटिंग इट तो इसीलिए जो रॉन्ग पूछा गया है तो ये बच्चे इसको नहीं पढ़ते कई बार गलती हो जाती है यूपीएससी तीन या चार ऑप्शन ऐसी जो रखता है अपने पेपर में ऑल चलिए देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात हुई रिसेंटली रिलीज किया आरबीआई ने रिलीज किया देखते ही पता लगता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑप्शन थ्री जहां जहां पे है हटा दो ऑप्शन थ्री हटा दी ओके वन एंड टू भी बात आ गई है ठीक है वन इंडेक्स जो रेंज करता है जीरो से सौ में सौ का मतलब है फोन इंक्लूजन ये बात भी सही है सर तो वन तो होना चाहिए वन यहाँ भी है वन यहाँ भी है देन तीन पैरामीटर्स वो बोल रहे हैं एक्सेस टिप का मैक्सिमम वेटेज नहीं सर एक्सेस का मैक्सिमम वेटेज नहीं है यहाँ पर तीन हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं कौन से कौन से अगर मैं लिख दूं यहाँ पर एक है यूजेज है ना ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है हमारे टू मिनट में एक है एक्सेस एंड एक है क्वालिटी यूजेज की मैक्सिमम वेटेज है फोर्टी फाइव परसेंट एक्सेस की है सम थर्टी फाइव परसेंट कितना हो गया पैंतालीस एंड पैंतीस अस्सी परसेंट बाकी जो भी बचेगा अकॉर्डिंगली दैट इज आवर क्वालिटी ट्वेंटी परसेंट राइट तो इसीलिए हमारी ऑप्शन नंबर टू भी गलत हो जाती है सिर्फ वन बचेगी दैट मीन्स ऑप्शन बी ठीक है अब एक और यहाँ पे गलती बच्चे क्या करते हैं कि ओके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन वन करेक्ट है तो आप यहाँ वन मार्क कराते हैं अरे नहीं वन ओनली देखिए कहाँ लिखा हुआ है यहाँ नहीं लिखा हुआ तो मार्क मत करना क्योंकि आप यहाँ का वन पढ़ के ए मार्क करने की टेंडेंसी होती है ना जो कहीं बैक ऑफ द माइंड सब कॉन्शियस माइंड चलता है सर तो ये गलतियाँ नहीं कर दो नंबर चले जाएंगे सीधा टू पॉइंट सिक्स सिक्स नेगेटिव तो होगा ओके देन अभी फार्म जो लॉज वगैरह की बात हो रही है एसडीएम वाला केस भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया तो ये बात पता होनी चाहिए हमने प्रीमिक्स में सवाल पूछा भी साहब से तो कुछ वक्त पहले एसडीएम डिस्प्यूट रिजॉल्विंग अथॉरिटी है फिर से सवाल उठ गया कि क्या एसडीएम होना चाहिए कि नहीं क्योंकि वहां पर जो 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 वीडियो सामने ने सर्फेस किए उसके बाद एस अगेन सख्ते में है वहां पर जो अगेन क्वेश्चन वाले आप पूरे उसमें वहाँ पर जो फोकस में आ गया एंड देन प्रोसेस ऑफ कंसिलेशन एक साल में नहीं दोस्तों एक साल में थोड़ी ना जो किसान तो बेचारे वेट करते रहेंगे वहाँ पर एक साल नहीं तीस दिन का टाइम दिया गया है थर्टी डेज का वहाँ लिखा गया है एंड एक कंसिलेशन बोर्ड बनेगा उस कंसीलिएशन बोर्ड ने हमें तीस दिन में हमें अपना फैसला सुनाना है ऑल right, तो इसलिए ऑप्शन टू गलत हमारा आंसर ओनली ऑप्शन वन चलिए नेक्स्ट एफ आर बी एम एक्ट कोविड के चलते भारत सरकार ने बहुत अपने एफ आर बी एम में जो जितने नॉर्म्स दिए गए थे सभी के वायलेशन करी एंड वायलेशन क्यों सरकार ने बोला कि जो एक ऐसा एक अभी टाइम चल रहा है जहां पे खर्चा बढ़ाना पड़ेगा तो अकॉर्डिंगली सरकार तीन स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है एफ आर बी एम मेन्स में आ चुका है प्री में भी आ चुका है बार बार पूछते रहते हैं तो हमें पता होनी चाहिए तो इसलिए सभी की सभी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में सरकार को रखनी पड़ती हैं ठीक है एफ आर बी एम एक्ट के तहत ओके नेक्स्ट यहां पर कहते हैं पंद्रवा फाइनेंस कमीशन मुश्किल सवाल था क्योंकि दो चीजें हैं इस बार फाइनेंस कमीशन में देखें जो पहले जैसे फॉरेस्ट कवर हुआ करता था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी हुआ करता है तो फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूं ये हमने वैसे कवर किया हुआ है यहां पर ठीक है फॉरेस्ट कवर अगर हम बात करें जो हमारा फाइनेंस कमीशन था देन पंद्रवा फाइनेंस कमीशन आया एक साल वाला क्योंकि कोविड आ गया था एंड देन पंद्रवा फाइनेंस कमीशन आया जो भी अभी चलेगा आगे पांच साल जो फोर्टींथ फाइनेंस कमीशन में हमने देखा जो हमारा फॉरेस्ट कवर था साढ़े वेटेज रखी गई उसके

सर बात सही की आपने जीरो रेटेड आइटम्स हैं जीरो जीएसटी है बट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट सर ये बात भी सही की आपने डिस्कस भी हमने एक्सटेंसिवली किया था बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तो हमारा आंसर थ्री एंड फोर इज करेक्ट ठीक है दोस्तों बाकी अगेन एक सोशल इश्यूज में हमने बात डिस्कस की थी क्योंकि चाइना में जो पॉपुलेशन को लेकर बात हो रही है भारत में पॉपुलेशन को लेकर बिल लाए जा रहे हैं नए नए कुछ थेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं बर्थ रेट की डेफिनेशन सही लिखी हुई है टोटल फर्टिलिटी रेट एंड नेट फर्टिलिटी रेट हमने इंटरचेंज कर दिया क्योंकि नेट में होता है कि ए एक जो वुमन के कितनी डॉटर्स क्योंकि डॉटर्स से आगे ही हमारी जो पूरी सृष्टि चलती है तो अगर एक वुमन के दो बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन दोनों ही अगर सन हैं तो आगे रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि जो आपको यू रिक्वायर्ड ठीक है तो नेट फर्टिलिटी रेट देखा जाता है डॉटर्स से एंड टोटल फर्टिलिटी देखा जाता है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं टोटल एक जो चाइल्ड बेरिंग में एक औरत के ठीक है तो ये ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट है और मुश्किल सवाल नहीं था बाकी आईजीआरडी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बार इको सर्वे ने इको सर्वे का टेस्ट भी है आपका ए, उसमें भी देख सकते हैं आपको सवाल वहां दिखता है आईजीआरडी होता है कि कितना आप अगर सरकार ने अगर आपसे उधार लिया तो कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे कर रही है उस पर एंड कितना रे, ग्रोथ रेट ऑफ इकॉनमी है ठीक है उसके बीच का जो गैप है उसको इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल रे, कहते हैं ठीक है दो टर्म्स हैं एक तो इंटरेस्ट हमारे पास एक ग्रोथ रेट उनके बीच का डिफरेंशियल है ना आपको यहीं पर नज़र आ जाएगा तो इसीलिए आपको ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर ठीक है दोस्तों तो ये मुश्किल इतना जो काम नहीं है हमारे पास अगर हम देखें कि अगर कहानी में नजर आए हमें कि पटके लगे सर बहुत सारे सवाल थे कि इतना मुश्किल कितना क्लोज इतना मुश्किल नहीं लास्ट टाइम भी जो इकोनमी में सवाल

तो अगर आपने लक्ष्मीकांत दो बार तीन बार अच्छे से रिवाइज की है ये क्वेश्चन आपके सिटर क्वेश्चन होने चाहिए एंड शुड बी समथिंग जो कि कंप्लीटली आप करेक्ट करें ठीक है इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है फिर आपके सेकेंड क्वेश्चन आते हैं जो इन्हीं का एक लेवल टू होता है जो कि थोड़े एनालिटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि वही रूल्स वही प्रोविजंस जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल लाइफ में हमारे आसपास कैसे होते हुए दिखते हैं कैसे अप्लाई होते, है, होते हैं ये वो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो इनके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है बट बाई एलिमिनेशन टेक्निक्स ठीक है आप ऐसे क्वेश्चन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं फिर आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन लाइक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है क्वेश्चन लाइक सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग है इंडिया में ऐसे क्वेश्चन जो हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करते हैं एंड ऑफन डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन्स जो हैं वेग रहती हैं राइट मल्टीपल आंसर्स कई बार हमको लगता है राइट right हो सकते हैं तो हमें मोर ऑफन द नॉट गवर्नमेंट टेक्स्ट पर रिलाई करना होता है टू मार्क द राइट आंसर इसके अलावा ऑब्वियसली कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में हो रही right? ऐसे क्वेश्चंस जो है मोर ऑफन द नॉट गूगली क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ठीक है बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए होता है एट प्रेपरेशन स्टेज सो इवन इफ यू स्किप दैट वन क्वेश्चन ठीक है अगर आपके मार्क्स बेटर हो रहे हैं एंड बाकी क्वेश्चन आप एकदम ठीक से कर रहे हैं तो इट विल हेल्प गेट वेरी वेरी गुड स्कोर इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए दोनों ही इंटेंस स्टार्टिंग एंड स्मार्ट स्टार्टिंग की जरूरत है टू हैव अ ग्रेटर आउटपुट एट अ गुड इनपुट कॉस्ट ठीक है तो इनपुट आउटपुट का जो है आपने अच्छा बैलेंस बना के रखना है तो बढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था पॉलिटी का आया वो एक इजी लेवल क्वेश्चन है बहुत ही एक फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है एंड बहुत न्यूज़ में रहा है क्वेश्चन था अबाउट एन और आपने बताना था इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और इसका सही आंसर था दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं इनकरेक्ट है गलत है ठीक है दोनों स्टेटमेंट जो है गलत थी वेरी इंपॉर्टेंटली ये हंड्रेड एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड हंड्रेड एंड फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों से ही रिलेटेड है दोनों जो काफी चर्चा में रहे हैं तो एन जो है आर्टिकल थ्री थर्टी एट नहीं बल्कि थ्री थर्टी एट बी के अंदर है थ्री थर्टी एट क्या है एनसीएससी सी राइट right? साथ ही में हंड्रेड एंड फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा इन्होंने सब क्लॉज को अमेंड कर दिया जहां पे अब स्टेट्स ने एस सी बी सी लिस्ट बनानी है तो उन्हें कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है एनसीपीसी को नाउ ये क्वेश्चन जो है हमने कहां से लिया था हमारी टू मिनट सीरीज से लिया था तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि फटाफट लास्ट वीक्स में हमारी टू मिनट सीरीज प्रीमिक्स जो है रिवाइज कीजिए और इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो है ये एक्चुअली थोड़ा एक इजी लेवल क्वेश्चन था ये आपके सॉल्व हो जाएंगे जो कि इतने करंट बेस्ड है तो लिंक दिया गया है अगर आपको इससे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए लिंक पे जाइए क्लिक कीजिए एंड पूरी डिटेल में जो है दोनों ही अमेंडमेंट टाक्स आपको समझाए हुए मिल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेरी क्विकली पढ़ते हैं। ये मीडियम लेवल है मीडियम लेवल क्यों है क्योंकि फैक्चुअल है राइट एंड फैक्चुअल क्यों है क्योंकि आपको यहाँ पता होगा कि कमेटी किसके साथ डील करती है या नहीं पता होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे गेस्ट वर्क अप्लाई करना एंड दैट इज वाइट दिस इज अ थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन तो आपको बताना था कि जी किशन रेड्डी कमिटी किस से रिलेटेड है नाउ अगेन अगर आप करंट अफेयर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए था जी किशन रेड्डी जो है कमिटी वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैड ऑफ लद्दाख से जो है जुड़ी हुई है तो ट्वेंटी नाइनटीन में जैसे कि आपको पता होगा जो थ्री सेवेंटी है उसके अंदर जो स्पेशल एक स्टेटस दिया गया था जे एन को को वो हटा लिया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट वॉज बाइफर केटेड टू यूनियन जम्मू एंड एंड कश्मीर लद्दाख अब लद्दाख की जो है कुछ डिमांड सामने आई और इन्होंने बोला कि हमें अपने इंडिजिनियस लैंग्वेज को कल्चर को और हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस मेजर्स चाहिए एंड टू लुक टू दिज मेजर्स दिस कमिटी वॉज सेटअप ऐसी कमिटी और बहुत सारी और कमिटीज जो है हमारे इस यूट्यूब के अंदर डिस्कस की गई है इन टू मिनट सीरीज सो क्लिक ऑन लिंक एंड गेट योर इन्फॉर्मेशन मोर राइट नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चन था दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ईजी लेवल क्वेश्चन बिकॉज बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन याद रखने की जरूरत है कैसे यहाँ पे स्टैटिक को लिंक किया गया है विद डायनामिक करंट अफेयर्स का टॉपिक ठीक है तो असम एनआरसी कितनी चीजें जो है न्यूज में थी यहां पे पूछा गया कि क्लॉज ऑफ असम असम अकॉर्ड अकॉर्ड किसके किसके साथ साथ डील डील करता करता है 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 1985 का जो है. और ऑप्शन सी आपका सही था कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेवगार्ड जो कि सेव करते हैं आसमीज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को ठीक है इनफैक्ट इसके लिए एम के एम पी बेज बरुआ कमिटी भी बिठाई गई थी ट्वेंटी में टू लुक इन दिस इंटू लुक इंटू मेजर्स जो कि क्लास सिक्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे तो बैस बरुआ कमिटी को भी जरूर आप याद रखिए इन्हीं चीजों को हमने डिस्कस किया गया है इस वीडियो के अंदर भी तो यू कैन वॉच दिस वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा एक मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन था राइट right? ये अगेन कारंट अफेयर से जुड़ा है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आपका रिसेंट टाइम्स में आया था विच वॉज इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट ठीक है अब क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन इंडिया ठीक है इनफैक्ट ये क्वेश्चन को मैं मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल कहूंगी क्योंकि अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है क्योंकि इसके अंदर फैक्ट भी है इसके अंदर एनालिसिस भी है अगर आप पहली स्टेटमेंट देखते हैं राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट इन इंडिया एनालिटिकल क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम फैक्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन है बिकॉज आप कंफ्यूज हो हो जाते हो, क्या ये फंडामेंटल राइट right भी हो सकता है क्योंकि यू नो मे बी आर्टिकल 19 के तहत आता हो क्या ये लीगल राइट right है क्या कोई लॉ है इसको बैक करने के लिए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है कि शायद फंडामेंटल राइट ना हो बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right हो तो ऐसी चीजों में जो है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ लेबर यूनियन है ये एक फंडामेंटल राइट right है अब ये भी जो है एनालिटिकल है प्लस फैक्चुअल है थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि कंप्लीट प्रोहिबिशन है ऑन स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन इंडस्ट्रीज कैरिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज तो इनफैक्ट ये थोड़ा मीडियम लेवल से उठ के ही है क्वेश्चन टू ये डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है ठीक है अब इसके अंदर सही आंसर क्या था इसमें सही आंसर था बी वन एंड टू ओनली है जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है यह गलत है राइट टू स्ट्राइक जो है फंडामेंटल राइट right नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right नहीं है एक लीगल राइट right है राइट right, एक लीगल स्टैचुएट है जो कि इसको बैक करता है विच इज योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट राइट right. नेक्स्ट आपको जो फॉर्मुलेशन ऑफ लेबर यूनियन है ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल राइट right है जो कि आपके राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर जो है ये आपको प्रोवाइड किया गया है थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है क्यों क्योंकि कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं है स्ट्राइक्स की बट देर आर सर्टन कंडीशन विच आर अप्लाइड और यही कंडीशन जो है लिस्ट आउट की गई है लॉ के अंदर ठीक है कि आपके पास एप्सलूट मनाही नहीं है कि आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते बट देर आर सर्टन थिंग्सो सर्टन फुलफिल अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के एम्प्लॉय ने जो है स्ट्राइक पे जाना है अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत क्रूशल हो सकता है फॉर प्रीलिम्स प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक कंप्लीट डिस्कशन जो है टू मिनट सीरीज में इसकी की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज एन इजी लेवल क्वेश्चन बिकॉज अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है ये क्वेश्चन

Please go here and have a look. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अबाउट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ठीक है ये इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में है फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्लुरिटी सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर तीन चार ये जो शब्द है कॉन्सेप्ट हैं ये सामने रखे गए हैं जिसके कारण जो है बच्चे कई बार ओवरवेलम हो सकते हैं इसमें सही जवाब जो था आपका सी था वन एंड टू ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है ठीक है थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत थी बिकॉज जी हां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनडायरेक्टली डज रेफर टू द दर्स्ट पास सिस्टम इन आर्टिकल एन ऑफ द दूशन ठीक है पहली दो स्टेटमेंट्स एब्सोल्यूटली सही थी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत थी ठीक है तो अगेन दिस इज अ डिस्कशन ऑन फर्स्ट पास सिस्टम जो कि डिस्कस की गई है इन योर प्रीमिक्स प्लीज गो हैव अ लुक एट इट राइट नेक्स्ट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन अगेन इन चीजों में आपने क्वेश्चन के वर्ड्स पे ध्यान देना है जैसे यहाँ पे जो है पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गलत है बच्चे कई बार हबड़ा दबड़ी में पढ़ते ही नहीं है हैं कि करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया एंड गलती हो जाती है एंड इट कैन कॉस्ट वेरी डियरली टू यू इसके अंदर सही जवाब था डी ऑल ऑफ द अबाव तीनों स्टेटमेंट्स जो है गलत है तीनों स्टेटमेंट्स जो है आपसे इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली किस पे अप्लाई करती थी ये अप्लाई करती थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे एंड नॉट द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या है गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है एंड हमारे प्रीमिक्स के क्वेश्चन में हमने एक पूरा क्वेश्चन पे डेडिकेट करके इसको इन डेप्थ समझाया है तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप यहां पे जाइए और इस वीडियो को क्विकली देखिए टाइम स्टैम्प भी है तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मीडियम लेवल क्वेश्चन गवर्नेंस एसोसिएटेड है अबाउट द पे जल सर्वेक्षण राइट right? इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही थी एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज टू ओनली सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है बाकी दोनों स्टेटमेंट्स जो है वन एंड थ्री वो गलत थी ठीक है तो जल पेश सर्वेक्षण जो है जल जीवन मिशन अर्बन के अंडर आता है एंड दैट इज वाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हुपा जो है राइट right? आपकी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री उनके अंडर ये कंडक्ट कराया गया है साथ ही में जो दस सिटीज है जहां पे पायलट सर्वे हुआ है उनमें से पांच वाटर स्का है एंड पांच जो है वाटर अबंडेंट सिटीज है वॉटर अ महाप्रिक्योर जिसके अंदर ये पूरा सर्वे जो है डिस्कस किया गया था यू कैन गो हैव अ लुक एट इट नेक्स्ट आप इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन अगेन दिस इज अ मोर कंसेप्चुअल कंपेरिटिव क्वेश्चन इंडिया प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट को लेके जो है बहुत सारा न्यूज़पेपर में चर्चा रही है तो ये क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है नेक्स्ट आप यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो उसके ऊपर ध्यान रखिए इसका सही जवाब जो है वॉज वन ओनली वंस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है सेकंड स्टेटमेंट सही है ना फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों थी जैसे कि हमें पता है यूएसए इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट तो वेन इट कम्स टू फेडरल क्राइम्स तब तो यूएस के प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है बट व्हेन इट कम्स टू स्टेट रिलेटेड क्राइम्स तब यूएस के प्रेसिडेंट की पावर जो है लिमिटेड है एज कंपेयर टू इंडिया ठीक है तो यहां पे क्या होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है जब स्टेट क्राइम्स है उनके ऊपर उनकी लिमिटेड पावर है एंड इवन इफ प्रेसिडेंट उनको पार्डन कर दे तो स्टेट लॉज के अंडर फिर भी उस इंडिविजुअल को जो है ट्राई किया जा सकता है एंड द प्रेजिडेंट्स पार्डन डज नॉट मैटर अनलाइक इंडिया जहां पे व्हेन इट कम्स टू डेथ सेंटेंसेस तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है गवर्नर के पास पावर नहीं होती है चाहे वो डेथ सेंटेंस आपके यूनियन लॉ के अंडर दिया गया हो या स्टेट लॉ के अंडर दिया गया हो इसके बारे में आप और जान सकते हैं इन आ महाप्रिक्योर सेशन यहाँ पे लिंक है विथ टाइम स्टैम्प नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इजी लेवल क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली था अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मतलब आपने लक्ष्मीकांत रिवाइज नहीं की है ढंग से तो वापस जाइए उसको ढंग से रिवाइज कीजिए थर्ड स्टेटमेंट जो है थोड़ी एनालिटिकल थी तो इसको मैं इजियर टू मीडियम लेवल क्वेश्चन जो है वो कहूंगी इसके अंदर सही जवाब है वन एंड थ्री ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है गलत क्यों है बिकॉज ऑफ दिस टर्म परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल आपको पता होना चाहिए परमानेंट नहीं बल्कि एक नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ठीक है जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा सेटअप की जाती है अगेन इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं क्लिक ऑन दिस लिंक टाइम स्टैम्प भी दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था अबाउट सेक्यूलरिज्म कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं वेग होते हैं एम्बिगुअस होते हैं तभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत जरूरत होती है दिस क्वेश्चन वॉज विद रिगार्ड टू प्रैक्टिस ऑफ सेक्युलरिज्म कहाँ पे इंडिया में तो वेस्ट की नहीं हम इंडिया की बात कर रहे हैं और यहां पे सही जवाब क्या है ए सेक्युलरिज्म इंडिया में जो है दोनों ही इंटर रिलीजियस एंड इंटरा रिलीजियस डोमिनेशन को अपोज है तो चाहे इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हो रही हो या फिर विद इन रिलीजन डोमिनेशन हो रही हो चाहे दलित्स की विमेन की सो सोहन सोफोन दोनों को ही खत्म करने की कोशिश करता है ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि दिस अपलाइज टू वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो कि बाइफर करता है पब्लिक स्पेयर एंड प्राइवेट स्पेयर को इंडिया के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता थर्ड स्टेटमेंट जो है अगेन गलत है बाय बिकॉज अनलाइक

अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना सो एंड सो फूड सो स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है बल्कि एक प्रिंसिपल डिस्टेंस है इंडिया में ठीक है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया गया है इन एन एंटायर टू मिनट सीरीज तो प्लीज इसको जाके देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन अ मीडियम लेवल क्वेश्चन अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ अगेन दिस इज समथिंग जो कि फैक्चुअली रिलेटेड है राइट थोड़ा सा जो है ट्विस्टेड है क्वेश्चन बट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें सही जवाब है नीदर वन नो टू दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है ठीक है अब ये क्यों सही नहीं है जो आ, आ, दोनों ही स्टेटमेंट है डी नहीं सी होना चाहिए नीदर नहीं दोनों सही है ये, तो थोड़ा सा ये वो हो गया था तो सी है इसका आंसर दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है सही है एब्सोल्युटली करेक्ट कि छः महीने के अंदर जो है जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं बट अगर छः महीनों के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन सेकेंडली सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है कि कोई फॉर्मल एक्शन ज़रूरी नहीं ये इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इन फॉर्मल एक्शन ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल कैंपेनिंग फॉर सम अदर पार्टी या फिर पार्टी विप को फॉलो ना करना ये सब भी जो है अमाउंट कर सकता है एज डिफेक्शन तो डिफेक्शन के ऊपर भी जो है हमने फुल चीज जो है आपको समझाई हुई है प्रीमिक्स में आप ये जाके वीडियो जो है देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है वाई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें टू रिमेंबर है अबाउट द इनर लाइन परमिट अगेन दिस इज समथिंग जो कि चर्चा में रहा है न्यूज में रहा है इसके अंदर जो है सही आंसर इज एक्चुअली डी दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है गलत है बाय बिकॉज जो इनर लाइन परमिट है बिल्कुल सही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट बट दिस वॉजन टू कंट्रोल द फ्लो टू प्रिजर्व इंडिजिनियस ट्राइबल कल्चर इनफैक्ट दिस वॉज डन टू प्रिजर्व द कमर्शियल टिम्बरिंग इंटरेस्ट ऑफ द कलोनियल गवर्नमेंट इट इज लेटर ऑन आफ्टर 1947 जब कुछ चेंजेस किए गए इन इंडिपेंडेंट इंडिया कि ये

अबाउट जुडिशियल रिव्यू कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही डिस्क्राइब करती है जुडिशियल को एंड दैट इज स्टेटमेंट ए जहां पे पावर है जुडिशरी के पास टू प्रनाउंसूशनिटी गलत है क्योंकि हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ जो है उसको फॉलो करते हैं ये अमेरिकन जुडिशल रिव्यू जो है उस पर अप्लाई करती है देन ऑब्वियसली सी स्टेटमेंट तो गलत है ही है एंड ये जो है ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है बल्कि इसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट की पावर ठीक है तो इसीलिए ए स्टेटमेंट जो है ये सही है राइट इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे हमारे प्रीमिक्स में अलोंग विद द टाइम स्टैम्प नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ट्रस्ट वोट राइट एनालिटिकल भी है प्लस थोड़ा फैक्चुअल uh, भी है इसके अंदर सही जवाब था बी आपका वन एंड टू ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है ठीक है एब्सोलूटली जो ट्रस्ट वोट है ये आ, जो है पास किया जाता है इसको यूज़ किया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू नो राइट तो यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं बल्कि गवर्नमेंट इसको चाहती है टू नो के हम कॉन्फिडेंस एन्जॉय करते हैं सेकेंडली इन केस अ गवर्नमेंट लूज इस ट्रस्ट वोट प्रेजिडेंट जो है कह सकता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट को कि आप कैटे का गवर्नमेंट की तरह कंटिन्यू कीजिए बट ये तब कोई क्रूशल पॉलिसी या कोई और लीगल डिसीजन नहीं लेते हैं थर्डली नॉमिनेटेड एम पीज एंड जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड ट्रस्ट वोट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन ये क्लैरिफाई किया है हेलो एवरीवन सो आज हम डिस्कस करेंगे सी एमसीक्यूज़ जो हमारे ओपन मॉक टेस्ट के अंदर आए थे ठीक है इनके आंसर देखेंगे क्या क्या इनके आंसर आते हैं चलिए जो पहला क्वेश्चन था वो था रिसेंटली रिप्रोडक्टिव रेशियो सीन इन न्यूज इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन फर्स्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ डेज एन इन्फेक्टेड पर्सन रिमेन्स इन्फेक्श सेकेंड द नंबर ऑफ सोसेप्टीबल अवेलेबल टू इन्फेक्ट थर्ड द चांस दैट सोसेप्टीबल पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड तो ऑप्शन थे वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली वन ओनली ऑल ऑफ दी द तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी दर्ल्ड इसका आंसर आएगा देखो रिप्रोडक्टिव रेशियो जो आर नॉट फैक्टर भी जिसको बोलते हैं कि भाई एक बंदा कितने लोगों को करोना कर सकता है ना अगर वन है तो वो आगे कितने लोगों को करोना कर सकता है तो उसके बेसिस के ऊपर इसका आंसर निकालना था तो उसी को कहते हैं आर नॉट फैक्टर अब जितना ज़्यादा होगा मान लीजिए आर आपका फाइव है इट मीन्स कि ऑन एवरेज एक इंसान जो पाँच लोगों को कोरोना करता है है ना तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कोविड के जो फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं जो जो कर्व है ये भी इसके बेसिस के ऊपर ही निकाली जाती है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस इंक्रीज़ हो इट मीन्स आर नॉट फैक्टर हाई है जब आर नॉट फैक्टर डिक्रीज़ होता है तो ये डिक्रीज होता है अब ये डिपेंड किसके ऊपर है डेज इन्फेक्टेड पर्सन मेन इन्फेक्शियस के भाई एक कोई किसी को मान लो कोविड हो गया तो वो कितने टाइम तक इन्फेक्शियस रहता है तो इट मीन्स के उस टाइम के ऊपर ये बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है ससेप्टिबल पर्सन अवेलेबल मतलब उसके आसपास कितने लोग हैं जिनको कोरोना हो सकता है अब अगर ज़्यादा है तो फिर उतना ही ज़्यादा ये करेगा चांसेस डेट ससेप्टिबल पर्सन गेट इन्फेक्टेड और कितने चांसेस हैं कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएं तो ये इसके बेस के ऊपर रहता है अगर आपने डिटेल जाननी है तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो के ऊपर पहुँच जाओगे का टी सेल थेरेपी रिसेंटली सीनियर न्यूज ये किससे रिलेटेड है फर्स्ट ऑप्शन है एच आई वी ट्रांसमिशन कैंसर ट्रीटमेंट स्टेम सेल एंड जी एम क्रॉप्स तो ऑप्शन इसका करेक्ट है कैंसर ट्रीटमेंट ठीक है दोस्तों का टी सेल के अंदर हम बेसिकली करते क्या है कि जो कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ठीक है जी तो हम क्या करते हैं एक टी सेल जो एंटीबॉडी बनाता है हमारी बॉडी से जो ब्लड पेशेंट के ब्लड से लेते हैं उसके अंदर सी ए आर डाल देते हैं कायमेरिक एंटीजन रिसैप्टर मतलब एंटीजन क्या है जो फॉरन पार्टिकल है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसेप्टर हमने कर दिए तो जैसे फॉरन पार्टिकल जो कैंसर सेल है अगर आप यहाँ पर देखोगे है ना यहाँ पर जितने ज़्यादा रिसेप्टर होंगे तो उतना ही ज़्यादा उससे जो कैंसर सेल है उसके साथ ये अटैच हो जाएंगे और उसको ख़त्म कर देंगे यही है जो बेसिक इसका प्रिंसिपल नौका स्पेस लेबॉरटरी इजी क्वेश्चन है है ना जैसे जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं कि अगर आपको आया तो ठीक है नहीं आए तो ना आए ठीक है दोस्तों तो नौका स्पेस लेबोरेटरी अभी रिसेंटली लॉन्च की तो रशिया ने अब रशिया ने भेजी है इंटरनेशनल स्पेस, के उपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेश, स्टेशन के ऊपर क्योंकि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रशिया का भी पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पर अपने अपने मॉड्यूल जैसे क्लब करते रहते हैं तो वो उन्होंने क्लब किया ऑक्सीजन जनरेट करेगा ये तो अगर डिटेल जाननी है इसके बारे में और तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन है एज पर वेरियस एस्टिमेट्स द मेजर प्लेटिनम ऑन अर्थ कम फ्रॉम एस्ट्रॉयड द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इज कौन से टाइप का देखो एस्ट्रॉयड की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सी टाइप एस टाइप एम टाइप ये तीन मेजर हमारे एस्ट्रॉयड है अगर आप रिसेंट देखोगे बहुत सारे जो सी टाइप एस्ट्रॉयड को फोकस कर रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत न्यूज़ के अंदर है तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए सी टाइप जो है कार्बोनेशियस मटीरियल से बने होते हैं सेवेंटी जो सेवेंटी है अराउंड मतलब अगर आपको यू पूछे वो बोलेगी थ्री फोर्थ ऑफ टोटल जो एस्ट्रॉयड है वो सी टाइप को बिलोंग करते हैं या कार्बोनिशियस मटेरियल से बने हुए हैं यस दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट डिपेंड करते हैं हम हम कौन सी चीज़ ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे वाटर काफ़ी मिल जाता है सिमिलरली एस टाइप है सिलिकेट मटेरियल मिलता है 17 परसेंट अराउंड एम टाइप यहाँ पर प्लेटिनम ऐसा बोला जाता है कि जो धरती के ऊपर प्लेटिनम था वो मोस्टली यहाँ से बहुत सारा एस्ट्रॉयड से आया है तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अब यू इस क्वेश्चन को और भी तरीके से घुमा सकते हैं वो बोलते बोल सकती है कि एस्ट्राइड जो है वो प्लेटिनम का सोर्स नहीं है तो ये आपने ध्यान रखना है ओके इजी क्वेश्चन के अंदर और बढ़ते हैं फिफ्टी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि सब ऑर्बिटल फ्लाइट को कौन डिस्क्राइब करता है परफेक्टली तो यहाँ पे ऑप्शन है बी अगर मैं बात करूँ कि अर्थ के अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे हमने कुछ लॉन्च करना है कि भाई वो अर्थ के यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर घूमता रहे तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर ऑरिजेंट्रल स्पीड अगर यहाँ पे ट्वेंटी एट थाउजेंड से कम है ठीक है तो ये वापस अर्थ के अंदर आ जाएगा इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटर क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर पहुँचा नहीं अगर हम ट्वेंटी एट से ज़्यादा रखते हैं और उसकी तो ये ऑर्बिट के अंदर घूमेगा लेकिन अगर चालीस हज़ार से ऊपर कर देते हैं तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाता है जिसको बोलते हैं स्केप विलासिटी ठीक है उसके ऊपर रीच कर जाता है तो ये फिर स्केप वालासिटी वाला ऑप्शन था तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट अगेन अगर बेसिक को इसके अंदर आपने डिटेल जाननी है तो इस क्लिक के लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं मीडियम जो थोड़े से इजी से ऊपर वाले लेवल के वो पांच क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड कंट्री है ना डीएनडी के अंदर हमने बहुत बार डिस्कस किया ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कौन सी कंट्री है जहाँ पे ओरिजिन ये देखा गया तो ऑप्शन वन एंड फोर है इसका तो ये तो सीधा सीधा ही था यहाँ पर वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कोई आपको नया वेरियंट आया है ना कोई मान लीजिए दे, डेल्टा वेरियंट अब नया आया है तो आपका सबसे पहले क्या होगा इंटरेस्ट होगा इसको स्टडी करना कि ये कहीं बहुत ज़्यादा फैल तो ना जाए उसको बोलते हैं वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट वेरियंट ऑफ कंसर्न जब ये फैलने लगता है एविडेंस मिलने लगते हैं हमें कि भाई ये बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो रहा है और इसकी ट्रीटमेंट जो हम वैक्सीन वगैरह भी दे रहे हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है वेरियंट ऑफ हाईली कॉन्सिक्वेंस ठीक है मतलब जब हमारे पास कोई डाउट ही ना रहे कि भाई ये वाला वेरिएंट बहुत ज़्यादा फैल चुका है लोगों के अंदर सब कुछ और यहाँ पे जो भी हम मेडिसिन लेके आ रहे हैं वो इनफेक्टिव हो रही है पेशेंट काफ़ी लोगों की डेथ भी हो रही है तो यह है जो तीन स्टेप है ठीक है अगेन लिंक इज गिवन बिलो तो यहां पे देख सकते हो आप तो अल्फा ये ठीक है यूके बेटा साउथ अफ्रीका गामा ब्राजील एंड डेल्टा इंडिया अब बात करते हैं फिफ्टी सेकंड क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ सेकेंड सिंगल सेल्ड एनिमल कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन वेयर एज मल्टी सेलर कैन नॉट तो ऑप्शन कौन सा है तो करेक्ट आंसर है वन ओनली ठीक है अभी रिसेंटली मल्टी सेलोर भी मिला है जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि देखो प्लांट तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऐसा बोला जाता है कि भाई रात को वो uh, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है ऐसा नहीं है कि देखो प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ठीक है काम चल जाता है लेकिन जो उसके अंदर प्लांट के अंदर जो मटीरियल स्टोर है जो जिससे उसको एनर्जी मिलनी है उसको ब्रेक डाउन करना है ऑक्सीजन उसके लिए भी चाहिए होती तो पहले स्टेटमेंट तो चलो जनरल थी लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है अभी रिसेंटली साइंस रिपोर्टर को मैंने डिस्कस किया था तो यहाँ पे क्या है अभी रिसेंटली मिला है जो हमें ब्रीदिंग एनिमल नॉन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल ठीक है यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखोगे नॉट यूनिक टू सिंगल सेल्ड यूक्रियट बट ऑल्सो इवॉल्व इन मल्टी सेलोर पैरासिटिक एनिमल तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्ट टू अग्नि पी मिसाइल तो मिसाइल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल मिलिस्टिक मिसाइल है ठीक है एम्स टू टारगेट पाकिस्तान एज वेल एज चाइना नहीं तो इसकी इतनी रेंज नहीं है कि चाइना की मेन लैंड तक ये पहुँच जाए ठीक है इट विल रिप्लेस पृथ्वी एंड अग्नि टू ये ठीक है सो वन एंड थ्री डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन है ठीक है आप इसको पढ़ना अच्छे से फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भी है के स्वाइन इन्फ्लुंजा किससे होता है देखो इन्फ्लुजा के ऊपर यू का ये भी एक फेवरेट टॉपिक है तो थोड़ा सा अलग टाइप से इस क्वेश्चन को बनाया है कि अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है टू एंड थ्री ठीक है अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेके जाऊँ तो जो इन्फ्लुंजा वायरस है उसको चार कैटेगरी हैं टाइप ए ए ही है जो फ्लू पेंडेमिक करता है बी जो है लेस है सी माइल्ड डी जो मेनली कैटल को इन्फेक्ट करता है तो हमने एक ही क्लासिफिकेशन की ए को अगर आप फर्दर क्लासीफाई करो तो एक तो एवियन इन्फ्लुएंजा आता है दूसरा स्वाइन इन्फ्लुएंजा आता है एवियन किससे होता है एच फाइव एन वन एच नाइन एन टू एच वन एन वन एन एच थ्री एन टू स्वाइन इन्फ्लुएंजा तो आपने इसकी क्लासिफिकेशन देख के जानी है हाँ यू पी एस क्योंकि ये आपकी डब्ल्यू एच ओ की साइड के ऊपर दिया हुआ तो वहाँ पर अगर दिया है तो आपको थोड़ा सा ये टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस भी ध्यान से रखना है यार अगर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये भी यहाँ पर लिंक शेयर्ड है ठीक है तो वहां पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करते हैं फिफ्टी फाइव क्वेश्चन एज पर करंट इंफॉर्मेशन इट ओनली इफेक्ट्स मेंबर ऑफ पिग फैमिली इट कैन कॉज अ लार्ज डीएन कॉस्ड बाई अ लार्ज डीएनवर्स एंड देन इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू कंटेक्ट विद पिग और पोर्क देखो जब कोई डिजीज पड़ते हो एक तो उसका कॉजिटिव एजेंट और क्या ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है उसका ट्रांसमिशन ठीक है ये आपने दो चीज़ें खास करके ध्यान रखनी है जब आप यू की प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पर ऑल ऑफ दर्ल्ड सारे आंसर ठीक है अपने दोस्तों ठीक है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है प्रॉपर और ये जे ह्यूमन के अंदर इतना नहीं फैलता क्योंकि अभी रिसेंट जो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है उसने भी ये बताया है तो वहाँ पे क्या है कि ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता नेचुरली के जैसे मान लो कोविड वायरस है अब हो सकता है कि कुछ साल पहले भी ह्यूमन के अंदर आया हो लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर है उसके साथ नहीं मैच हुआ तो नहीं आया थोड़े ही उसके अंदर चेंजेस आई तो अब मैच हुआ तो हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया इसको तो ऐसे यहाँ पे अभी तक कोई केसेस हमारे कुछ ख़ास मिले नहीं है इसके अंदर जो ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसमिट हुए हो ठीक है तो सो एनिमल को इन्फेक्ट करती है और बहुत सारी इनको बाद में मास किलिंग करनी पड़ती है ठीक है दोस्तों ओके फिफ्टी क्वेश्चन देखते हैं सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स टू पॉलन कैलेंडर फर्स्ट ऑप्शन इज इट रिप्रजेंट द टाइम डायनेमिक्स ऑफ एयरबॉन पोलन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया सेकेंड ए प्लाट्स लाइक रोज जैसमिन सेल्विया बॉगनविलिया पोज रिस्क ऑफ पॉलन एलर्जीज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पॉलन कैलेंडर फॉर द मेट्रोपोलिटन सिटीज इन इंडिया तो अगर आप यहाँ पे अगर आपने टॉपिक पढ़ा रिस हमने डी एंड डी के अंदर ये कवर किया था ठीक है देखो पॉलन के अंदर बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है तो एक सीजन होता है जहाँ पे पॉलन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए तो एनवायरमेंट में काफ़ी आ जाती है तो उससे जो बहुत सारे लोगों को अस्थमा वगैरह कुछ हो सकता है तो अभी चंडीगढ़ ने ये एक पलंग कैलेंडर निकाला उन्होंने बोला कि ठीक है हम बता देंगे आपको कौन कौन से सीज़न में ऑटम स्प्रिंग वगैरह वहाँ पे बता देंगे कि, कि इस सीजन के अंदर ज़्यादा रिस्क है तो आप मास्क पहन लो अदरवाइज आप घर में रहो है ना आप अवॉइड कर सकते हो अननेसेसरी बाहर जाना तो इस, ऐसा चीज यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वगैरह ने कोई इंडिया के लेवल के ऊपर नहीं क्योंकि यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंदर लिखा था कि ये वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट है ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट ही कैलेंडर है तो ये तो वैसे ही गलत है दूसरा जो ऑप्शन डिफिकल्ट था वो था रोज जैसमीन वाला है ना यहाँ पे इसका लो रिस्क है इसीलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के अंदर है क्योंकि जिस भी क्वेश्चन के अंदर कोई स्पीसीज़ के काफ़ी नाम आ जाते हैं तो आ, मैंने आपको उस वीडियो के अंदर भी बताया था ठीक है क्लास के अंदर भी बताया था कि उस वो एक यू का फेवरेट होता है जैसे स्पीसीज का नाम होता है दूसरा आपको वो डिफ़िकल्ट लेवल के अंदर आता है तो ये आपने अगर किसी ने इसको ध्यान से पढ़ा था उस टाइम पे सुना था तो उसका आंसर ये ठीक हो सकता था ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं फिफ्टी सेवंथ क्वेश्चन की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सी एफ एल बल्बस यूज फिलामेंट एंड दैट ग्लो एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट सेकेंड है एल ई डी बल्ब यूजेस लेस एनर्जी दैन इन कैंडेसेंट लाइटिंग थर्ड है इन एल ई डी फोटो जनरेट ऑलमोस्ट नो हुट तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मली कॉमन सेंस लगाओगे सी एफ एल बल्ब के अंदर जो हीट हम देखते हैं ज़्यादातर प्रोड्यूस होती नहीं है फिलामेंट थोड़ी ना यूज़ होता है उसके अंदर है ना आर्गन और हीलिंग वगैरह सॉरी मरकरी वगैरह यूज़ होती है तो अगर आपने सी एफ एल तोड़ के भी देखोगे तो आपको पता लगेगा तो यहाँ पर फिलामेंट तो जो नॉर्मल बल्ब है येलो कलर का जो आता था है ना कि इन लाइटिंग जिसको अंदर बोलते हैं हम नॉर्मल तो वो उसके अंदर फिलामेंट लगा होता है तो यहाँ पे फिलामेंट वाली है पहली स्टेटमेंट आप निकाल देते ठीक है तो यहाँ पे अगर देखोगे पहली स्टेटमेंट गई तो अपना आंसर एक ही बचता है सेकंड एंड थ्री ठीक है दोस्तों ओके अब डिफरेंस इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं तो यहां पे आपको लिंक भी दिया गया इसके ऊपर आप जाके देख सकते हो एल डी एल एंड एच डी एल तो एल डी एल एच डी एल की बात करेंगे दोस्तों एल डी एल की फर्स्ट स्टेटमेंट एल डी एल आर नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक है वेर एस एच डी एल आर गुड कोलेस्ट्रॉल ठीक है जी दूसरा है एल डी एल एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रोल एंड कैरीज इट बैक टू लीवर ठीक है थर्ड है एच डी एल कैन लोअर यूअर रिस्क ऑफ़ हार्ट एंड डिजीज एंड स्ट्रोक तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वन एंड थ्री देखो अगर हम बात करें इनकी तो प्रोटीन डिवाइडेड बाय लिपिड होता है तो जब हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन है तो हाई डेंसिटी मतलब इसका प्रोटीन ज़्यादा है लिपिड कम है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ गया एच डी एल गुड कोलेस्ट्रॉल ये तो ठीक तो तो है तो एल डी एल क्या होगा तो लिपिड ज्यादा है तो एल डी एल बैड कोलेस्ट्रोल सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ लीवर से है ना लीवर से लेके अगर मैं जाऊँ सेल ठीक है सेल से लिवर तो एल डी एल क्या कैरी करता है एच डी एल क्या कैरी करता है ठीक है एल डी एल क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से सेल के अंदर ले जाता है जैसे जैसे आपके सेल के अंदर जाएगा ये आपका बाद में क्या होगा ब्लड के अंदर चला गया ब्लड के अंदर बाद में ये आपका हार्ट के अंदर चला गया इट मीन्स एल डी एल जो है कोलेस्ट्रोल को उठा के सेल के अंदर लेके जाता है अगर बहुत ज्यादा ले जाएगा तो क्या होगा हार्ट के अंदर चला जाएगा हार्ट डिजीज स्ट्रोक वगैरह आ सकते हैं लेकिन एच ये एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है इसको लीवर के अंदर लेके जा, ले जाता है लीवर के अंदर बाद में फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से इट मीन्स के जो एच है ये सेव करता है हमें है ना तो यहां पर जो स्टेटमेंट है एल डी एल कोलेस्ट्रोल ठीक है एंड कैरीज इट बैक टू लीवर नहीं ये एच है ठीक है दोस्तों तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफैट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी तो अब सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड ट्रांसफैट वो कैसे हमारी बॉडी को इंपेक्ट करती हैं है ना या क्या है उसके अंदर तो ये अगर आपने देखना है तो यहां पे एल डी एल एच डी एल टू मिनट सीरीज के अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था बिल्कुल बेसिक से कि जो लिक्विड ही क्यों होती हैं ये सब कुछ डिस्कस किया है तो आप यहां पे जाके देख सकते हो फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्ट टू अल्ट्रा वायल्ट रेस ठीक है तो यहाँ पे डी एन डी के अंदर हमने सिक्सटीन जुलाई को भी डिस्कस किया था पहली स्टेटमेंट है अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावाइलेट बी रेज फ्रॉम द सन ट्रांसमिटेड थ्रू आवर एटमोस्फेयर एंड सीज फिल्टर बाई ठीक है सेकेंड है अल्ट्रावायलेट ए रेज कैन ओनली रीच द आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन और एपिडर्मिस एंड कैन कॉज सनबर्न एंड एसोसिएटेड स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट बी जो है ये यह, यहाँ पे जो भी ये पेनिट्रेट करती है मिडिल लेयर के अंदर और ये भी इंटरेक्ट डैमेज कर सकती है अल्ट्रावायलेट सी है जो एयरबॉन ट्रांसमिशन जैसे कोरोना वायरस है उसको ये मिटिगेट कर सकती है नहीं कर सकती तो अगर आप यहाँ पे देखोगे करंट अफेयर पड़ा है तो आपने रिसेंटली तो अल्ट्रावायलेट सी टेक्नोलॉजी लेके हैं ए एंड बी काफ़ी ज़्यादा जो अर्थ के ऊपर आती है लेकिन अल्ट्रावायलेट सी तो हम जो ज़्यादातर मैनुफेक्चर करते हैं है ना तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर उल्टा है अल्ट्रावायलेट बी इधर आएगा ए इधर आएगा अब इसका क्यों क्या रीज़न है जो अपर लेयर तक आता है वो कैंसिल करता है लोअर लेयर वाला जो मिडिल लेयर वाला वो नहीं करता तो ये अगर आपने आंसर इसका लेना है तो यहाँ पे अल्ट्रावेलर सी टेक्नोलॉजी के अंदर पूरा कि कौन सी कितने परसेंट जो अर्थ के ऊपर आती है कौन सी क्या करते हैं ये सब कुछ डिस्कस यहाँ पे हुआ पड़ा है ऑलरेडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स टू कार्बन नैनोट्यूब्स फर्स्ट है दे आर सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर कार्बन एटम तो ग्राफीन है बेसिकली उसी की फॉर्म है उसको शीट के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया रोल कर दिया अलग अलग शेप की बना दी वो नैनो ट्यूब बन गई देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द रोलिंग अप डायरेक्शन ऑफ ग्राफीन और जो जैसे आप उसकी ग्राफीन लेयर जो उसकी स्ट्रक्चर है उसको जैसे रोल करोगे मान लीजिए अपने किस एंगल पे रोल किया उसके हिसाब से ही उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है दे आर हाईली बायोडिग्रेबल ये स्टेटमेंट गलत है तो पहली एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी मच स्टेबल फिजिकली एंड केमिकली सो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिग्रेड देम है ना तो बहुत सारे अभी रिसेंटली वगैरह इन्होंने क्रिएट किया है जिससे ये बायोडिग्रेबल थोड़ा बहुत बन सके तो यहाँ पर यह टू मिनट सीरीज के अंदर बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया था ग्राफीन से लेकर एंड तक कि कैसे कैसे ये फॉर्म होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे आई होप कि आपने कुछ समझा होगा कुछ सीखा होगा जो भी आपको टॉपिक लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई इशू है उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो सो थैंक यू वेरी मच हेलो दोस्तों जोग्राफी के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं अब हम नो द आइडिया इज वेरी सिंपल द आइडिया इज नॉट टू टीच यू एवरी थिंग लाइक सोल्यूशंस तो डेफिनेटली आपके पी डी एफ में है वहाँ पे वीडियो लिंक्स भी लगे हुए हैं कि इन सोल्यूशंस को समझने के लिए आप कौन सा वीडियो देखें लेकिन द आइडियाज के हम एक बेसिक थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लें कि ये चीजें आपको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर मंथ अवे फॉर प्रीलियम्स आपको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए थी ठीक है एंड दिस इज हाउ यू शुड हैव थॉट अबाउट इट तो अगर इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं तो पांच पांच सवाल हैं आपके पांच इजी पांच मीडियम एंड पांच डिफिकल्ट सवाल

तो अगर आप देखें सुकोत्रा आइलैंड्स की हम बात करें अटलांटिक ओशन यहां पे लिख रहे हैं पर सुकोत्रा आइलैंड्स जो है यमन के आसपास के रीजन में आते हैं सिमिलरली अजोर आइलैंड्स जो है मैं आपको इनकी पोजीशन भी दिखाऊंगी अजोर आइलैंड्स जो है अटलांटिक रीजन में आते हैं बेसिकली तो अजोर आइलैंड्स के बाद गैल बुगाज आइलैंड है ये आपसे लुटली करेक्ट है शो यू दी पोजीशंस एज वेल सो दैट आपको पता लगे तो इनकरेक्ट कौन से हुए वन एंड टू और दोबारा इस पर आएंगे यमन अगर आप देखें यू हैव सुकोत्रा आइलैंड्स इंडिया का यहाँ से रिसेंटली एक रेस्क्यू मिशन भी था राइट right? ऑल्सो बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिशन भी थे बिकॉज ऑफ दी डिज़ास्टर्स दैट कीप ऑन अकरिंग तो आपको पता होना चाहिए कि लेट्स आपको एग्जैक्ट पोजिशन भी अगर आपको नहीं पता अगर आपने न्यूज फॉलो किया तो आपको पता होना चाहिए यमन जो है अटलांटिक ओशन से एसोसिएटेड नहीं है ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता सो दैट्स हाउ यू यूज योर करंट अफेयर्स

दा आसान था अपार्ट फ्रॉम दैट हमने youtube पे भी ये कवर किया हुआ है अपनी प्लेसेस अ न्यू सीरीज में अगर वो भी आपने देखी होती यू कुड आंसर दिस क्वेश्चन सिमिलरली अगर हम गैलापागोस आइलैंड्स की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन से एसोसिएटेड है सो so, बिल्कुल इक्वाडोर के अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे आता है ये

इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि यहां पे फिशिंग वेसल्स देखे जाते हैं बिकॉज इन रीजन में है आपकी कोल्ड करंट्स, राइट अब कोल्ड करंट बेसिकली क्या कर दिया आपने एग्जाम के लिए डेफिनेटली पढ़ा होगा कोल्ड करंट जो है गहरे पानी से ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट्स लेके आती है राइट right? जिससे आप अप भी कहते हो राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू सपोज टू नो ऑल दीज थिंग्स यदि आपको नहीं पता है तो यू स्टिल हैव टाइम यू कैन गो बैक एंड रिवाइज ठीक है अब न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहाँ पे क्या होगा ऑब्वियसली जो है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो है ये रीजन बन जाते हैं इसीलिए चाइना के हिसाब से चाइना के फिशरमैन जो है यहाँ पर देखे जाते हैं ठीक है जी तो आपको तीनों रीजन पता लग गए इसका मतलब है कि सुकोत्रा आपको पता है अटलांटिक नहीं है अजोज तो आपको पक्का ही पता है कि अटलांटिक ओशन है तो थर्ड आपका करेक्ट है लेकिन पूछा इनकरेक्टली है तो आंसर क्या होगा वन एंड टू ओनली Similarly, next question पे आते हैं very very easy question. Now first question अगर आपको difficult लग रहा है नहीं लगना चाहिए. If you followed all our lectures, because difficult वो सवाल होते हैं जो आपने पढ़े नहीं हैं या उनके पास आपके पास उसका content available नहीं है. लेकिन first question का content बहुत easily available था हमारे new channel. Sorry, हमारे जो uh, यूट्यूब uh, का चैनल है स्लीपी क्लासेस तो वहां पर जो है आपने अगर ये चीजें पढ़ी हैं दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन अ केक वॉक यदि अभी भी आपको लगता है कि रिवीजन और बहुत करना है तो यू हैव लिंक्स एमेडेड आपके पीडीएफ में वहां से आप इनको देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी एक सेलेस्टियल बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो बॉडी जो है क्या कहलाएगी राइट right? अब आपने पढ़ा बॉडी ऑर्बिट सन के अराउंड करती है नियरली राउंड शेप होता है लेकिन जैसे ही आपने तीसरा पढ़ा कि वो बॉडी इनमें से कौन सी होगी जिसका नेबरहुड जो है वो क्लियर नहीं है ऑब्जेक्ट से तो आपको कैटेगोरिकली प्लूटो की याद आनी चाहिए और कैटेगोरिकली आपको डुअ प्लानट जो है पता लगना चाहिए राइट सो बेसिकली क्या होता है ना प्लान का कंटेंशन क्या होता है या प्लान का बेसिक पॉइंट क्या होता है पहली दो चीजें तो है ही हैं लेकिन उनका नेबरहुड भी क्लियर होना चाहिए प्लूटो में दिक्कत ही यही है कि उनका नेबरहुड जो है प्लान का जो ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं है नेबरहुड के क्लियर होने का मतलब क्या होता है दैट कोई भी बॉडी ऑफ कंपेरेबल साइज ना हो कि ऐसा ना ऑलमोस्ट प्लूटो के कंपेरेबल साइज की कोई बहुत बड़ी बॉडी हो राइट right? तो इस वजह से बिकॉज उनको ऑर्बिट क्लियर नहीं है ऑब्जेक्ट से तो आप देखोगे प्लूटो इज टू बी अ प्लान राइट अपार्ट फ्रॉम प्लूटो आप देखोगे एरस मेक मेक एडना ये कुछ ऐसे डुअ प्लान हैं जो आपको पता होने चाहिए तो यू स्टिल हैव टाइम इफ यू रिवाइज सोलर सिस्टम अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था आप सोलर सिस्टम को जाके रिवाइज कर सकते हैं सिमिलरली नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नो दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड या बहुत लंबे दिए गए होते हैं तो हम इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते फॉर एग्जांपल डेकेड वर्ल्ड की बात कर रहा है तो पहले सवाल में ही आपको डरा दिया जाता है कि आपको जो डेटा पता था वही आपको यहाँ पर दे दिया सो so, थोड़ा सा मुराल जो है लो हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में बस इनको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। फॉर एक्लोस की बात करते हैं कि decade wall इनका नाम क्यों रखा गया क्योंकि में शुरू हुआ था, जब इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्ट रिडक्शन की बात थी अब ना इस्पेक्टिव ऑफ ये करंट अफेयर्स में नहीं थे या थे राइट right? थे, दो थे क्वेश्चन बनाया है अगर आपने एनसीआर भी ध्यान से पढ़ी है ना वहां पर भी लिखा हुआ है कि 1990 जो है इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन था तो वहां से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए सो द ऑफ पुटिंग अप दिस क्वेश्चन कि इसका रेफरेंस बैकग्राउंड का एनसीआर में भी गिवन है डेकेड ना बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कब कोई वॉल कैनो डेकेट वॉल कैनो कहलाता है जब एक दो उसमें डिजास्टर प्रोन चीजें हो फॉर एग्जाम्पल लावा अभी तक आ रहा है या गैस गैसेस एमिशन बहुत ज्यादा है और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये ऐसे वॉल हैं जो लिविंग रीजन्स के पास होते हैं लिविंग रीजन्स के पास होते हैं फिर भी जो है इनकी डिस्ट्रक्शन जो है काफी कंट्रोल्ड होती हैं तो इनको स्टडी करने की कोशिश की जाती है तो ये जो स्टडी की जब बात आती है राइट तो इसका बेसिक एजेंडा क्या है टू अचीव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस पर्टिकुलर वर्ल्ड तो दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं और आपका आंसर क्या बनेगा बोथ वन एंड तो आप देख रहे हो डेकेड ऑल्दो एफ लो अबाउट इट इन डिटेल इन वन ऑफ इन यूट्यूब अगर आपको नहीं पता था यू कैन गो बैक टू दी वीडियो लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए था कि डेकेड वर्ल्ड कैनोज क्या है ठीक है तो डेकेड वर्ल्ड कैनोज कौन से वर्ल्ड कैनोज है जिनमें कुछ ना कुछ तरीके का डिजास्टर ओरिएटेड चीज़ें हैं चीज़े है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा Uh, करीब है टू हैबिटेशंस इसीलिए देखा गया है कि इनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनको डेकोड क्यों कहा जा रहा था बिकॉज 1990 के आसपास ये चीज शुरू हुई थी वो पर्टिकुलर डेकेड में जो कि इंटरनेशनल डेकेड मानी गई है ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन ठीक है जी ओके okay. Uh, इसका मतलब है आपका आंसर है वन एंड टू और मैंने आपको डेकेड वर्ल की जो है पोजिशन भी दी है कि कौन से ऐसे वर्ल हैं जो कि डेकेड वर्ल्ड तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली आ सकता है तो आपने फॉर एग्जाम्पल मेरापी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है मोनालोआ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है राइट right? तो ये सब चीज़ें जो है आपको आइडिया होना चाहिए तो आई ओली टॉक अबाउट द थॉट प्रोसेस जिनका कि आप ध्यान रखेंगे चलिए तीसरा वच ऑफ द फॉलोइंग आर मास्ट इनकरेक्टली तो बहुत ही डिटेल में मैंने ये वीडियो कवर किया हुआ है अबाउट जी आई टैक्स तो आई एव एव कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ जी आई टैक्स यू ऑन यूट्यूब तो जी आई टैक्स की लिस्ट है बेसिकली ये चखो मणिपुर सोहराई खोवार पेंटिंग झारखंड तेलिया रुमान तेलंगाना एंड दिंदिगुल लॉक्स कर्नाटका यहां पे जो है पहले तीन ऑप्शन करेक्ट हैं और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है इन चारों पॉइंट्स को जो है याद कर लेना है और सेकंड चीज जो आप कर सकते हैं इफ़ यू टू लर्न अबाउट मोर न्यूज में लिंक दिया है आप वो पढ़ सकते हैं तो चौथा ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना है सो दिंदुगुल बेसिकली एक सिटी है तमिलनाडु में जिसको कि लॉक सिटी कहा जाता था एक समय पे, बिकॉज वहां पे बहुत ही अच्छी जो है लॉक्स मिला करते थे ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं यस नो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन रिसेंटली नागार्नो काराबा कॉन्फ्लिक्ट वॉज इन न्यूज कौन सी दो कंट्रीज से एसोसिएटेड है ऐसा ईजी सवाल पेपर में आता है और अपने पक्का गलत नहीं करना राइट right? एक दो साल पहले आ, यूपीएससी ने रोहिंग्या से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है द टर्म रोहिंग्याज हैज बिन अ न्यूज ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है वेरी सिंपल म्यांमार सिमिलरली ऐसा इजी क्वेश्चन भी आता है और आपने गलत नहीं कर नागार्नो का रीजन कौन किस किस के बीच में हमेशा से डिस्प्यूटेड रहा है आर्मेनिया एंड अजरबाईजान अगर मैं आपको रीजन भी दिखाऊं सो तो ये जो रीजन है ये अजहरबाइजान में है

स्टैंडर्ड सवाल जो सबसे डिफिकल्ट लगते हैं मॉनसून से रिलेटेड सवाल ठीक है तो साउथ वेस्ट मॉनसून में वो कह रहे हैं तमिलनाडु कोस जो है ड्राई रहता है इसका रीजन क्या है डायरेक्टली एनसीआर से मैंने आपकी दो लाइनें जो है पिक करी हुई हैं तो होता क्या है ये जो स्टैंडर्ड सवाल है जो टफ टॉपिक से आते हैं कभी कभी आप देखोगे पिकअप हो एनसीआर क्या, क्या है समय ड्राई क्यों रहता है क्योंकि तमिलनाडु को जो है अरेबियन सी ब्रांच के पैरल है और रेन शैडो एरिया में भी है अरेबियन सी ब्रांच के अगर मैं आपको आंसर दिखाना चाहूंगा इट्स ओनली टू लेकिन लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। नाउ आपको पता है कि अगर हम बात करें तो जितनी भी तमिलनाडु रीजन में बारिश हो रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय में होती है राइट साउथ वेस्ट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो अब हो क्या रहा है बेसिकली तमिलनाडु जो है एक तो इट इज पैरल टू विच ब्रांच इट इज पैरल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच तो हो क्या रहा है जो जो लेजन विंड जा रही है वो यहाँ से जा रही है अब ये इसके पैरल है तो ये विंड इस तरफ जाती ही नहीं राइट right? इस वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून के समय यहां पर बारिश नहीं होती दूसरा एक और रीजन क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं या यहीं पर बता देती हूं कि अरेबियन सी ब्रांच जो है ये है मॉनसून की राइट सो व्हाट हैपेंस इज अरेबियन सी ब्रांच का जो दूसरा तरफ है जो उसका रेन शाडो रीजन है वहां पे जो है तमिलनाडु लाई करता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है कि यहाँ बारिश नहीं होती रेन शाडो रीजन का मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज वन रीजन अगर एक पहाड़ है तो मेजोरिटी बारिश एक तरफ हो जाती है दूसरी तरफ जो है बारिश मिनिमम होती है राइट right? तो जिस तरफ मिनिमम बारिश हो रही है उसको आप कहते हो रेन शैडो रीजन ठीक है तो दो रीजन क्या हुए जिस वजह से तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मॉनसून में बारिश नहीं हुई पहला कि ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरल है दूसरा ये अरेबियन सी ब्रांच के रेनशाड एरिया में आता है सिमिलरली so, अगर मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊं पीवीटीजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है एक दो साल पहले सो देस अ क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ पीवीटीजीज एंड वॉट नॉट

ध्यान रखना पी जो है येस इट्स अ सेपरेट लेट्स से एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं करता तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपका ट्राइबल वाला जो कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन जोग्रफी का कॉन्सेप्ट है उसको आप जो है अपने जीएस से रिलेट कर देते हैं एंड क्वेश्चन आ जाते हैं जरूरी तो नहीं कि सवाल हंड्रेड परसेंट का ही हो तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप दबार कमीशन तो एब्सोलूटली आपका सही है कि दबार कमीशन ने ही इसकी बात करी थी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वनरेबल हैं अगर आप सभी ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें लेकिन इस इसका अलग से जो मेंशन है जो रिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है Now, ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड या कंफ्यूजिंग शब्द जो है आपके हमेशा ही पेपर में आते हैं और वो दो तीन क्वेश्चन जो है उनके सही आंसर्स हमेशा ही हमें पेपर होने के बाद एंड में आफ्टर दर रिजल्ट मिलते हैं तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें कि आप कन्फ्यूज रह सकते ठीक है तो आंसर क्या है आपका टू ओनली नेक्स्ट आते हैं सोलर मिनिमम एंड मैक्सिमम बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है इस साल सोलर मिनिमम सोलर मैक्सिमम तो सन का ग्यारह साल का पूरा का पूरा पीरियड है राइट right? तो दी इंटायर थिंग चेंजेस दी इंटायर पॉलिटी दी पुलारिटी दी इंटायर मैग्नेटिक फील्ड का जो पॉइंटर्स है सन में हर ग्यारह साल में बदलते हैं राइट सो इट स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम की मिनिमम सोलर एक्टिविटी होगी फिर बिल्कुल पीक सोलर एक्टिविटी होती है एंड देन इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू सोलर मिनिमम तो इस पूरे प्रोसेस को लगते हैं ग्यारह साल ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम इमेजिनिंग दैट यू नो ऑल थिंग्स राइट सो जब ये 11 साल का पीरियड शुरू होता है पहले सोलर एक्टिविटी मिनिमम होती है

दा सनस्पॉट्स नहीं होंगे मिनिमल सनस्पॉट्स होंगे सोलर फ्लेयर्स भी कम होंगे तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है गलत है सेकेंड और थर्ड आपका एब्सोल्युटली सही है कि जब सोलर मैक्सिमम होगा मेजॉरिटी ये सारे, -सारे, सारे, सारे सान के सारे सन के फिनोमेना हो रहे होंगे तो डेफिनेटली उससे एसोसिएटेड पावर आउटएजेस सैटेलाइट malfunctions बहुत ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज़ ये जो सोलर लेट्स से स्पॉट्स हैं या लेट्स से जो सोलर फ्लेयर्स अर्थ की तरफ आ रही हैं उनका जो है नंबर भी बढ़ जाएगा एंड द थर्ड थिंग इज इज अ टर्म दैट यू सपोज टू लर्न एक ग्रैंड सोलर मिनिमम भी होता है सोलर मिनिमम तो आपको डायरेक्टली पता है कि सन की एक्टिविटी मिनिमम है लेकिन ग्रैंड सोलर मिनिमा क्या है जब बहुत सारे ग्यारह साल के सोलर साइकिल्स जो हैं बहुत ही एवरेज एक्टिविटी देते हैं पीक पर नहीं जाते है. तो आप देख रहे हो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है सोलर मिनिमम एंड मैक्सिमा लेकिन शब्द थोड़े बदल दिए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ें और उनको सॉल्व करें अगेन आंसर टू और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट माराकेश कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन तो माइग्रेशन बहुत ज्यादा न्यूज में रही है बिकॉज लॉर्ड ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस न्यूज है ना तो एक पर्टिकुलर कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन है माराकेश ठीक है अब ऑल इट्स एन इंटरगमेंटल नेगोशिएटेड एग्रीमेंट है एक ऐसा लेट्स uh, एक डिमेंशन की बात करता है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होलिस्टिक मैनर में माइग्रेशन को डिफाइन करते हैं बट ध्यान रखना बिकॉज इट इज अ कॉम्पैक्ट राइट इसलिए लीगली बाइंडिंग नहीं है तो कॉम्पैक्ट शब्द से आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है तो कोई भी इसका सिग्नेटरी हो राइट right? आप क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटेड अग्रीमेंट है क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने एक साथ आके इनको जो है नेगोशिएट uh, किया है फिर अग्रीमेंट पे आए हैं तो पीपल कैन बी द मेंबर्स लेकिन इट नेवर बी लीगली बाइंडिंग तो ये चीज़ आपने याद रखनी है इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा एंड इसका मतलब आंसर क्या है आपका ओनली टू सो अगेन इज अ वीडियो ऑन अ अलॉट ऑफ थिंग्स मेक श्योर आप सभी आंसर्स के साथ वीडियो देखें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी एटलीस्ट दीज हंड्रेड क्वेश्चन यू शुड लर्न जो भी चीजें आपकी पेंडिंग है नेक्स्ट द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ठीक है तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सवाल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जैसे ही आपको शब्द सुने आपको मॉनसून याद आना चाहिए और दूसरी चीज आपको याद आना चाहिए जब मैंने मॉनसून पढ़ा था जब भी वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की बात थी ये सर्दियों की बात करी थी बिकॉज वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस में बेसिकली क्या होता है मेडिटेरेनियन सी के रीजन से जो है इंडिया की तरफ जो है स्टॉम जो है आते हैं ठीक है ठीके? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो है मेडिटेरेनियन रीजन से स्टॉम तो आ रहे हैं पर ये किस तरह के स्टॉम है ट्रॉपिकल स्टॉम है दूसरा ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये वेस्टर्लीज द्वारा इंडिया की तरफ आता है एंड इट इज नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन नॉन मॉनसूनल का मतलब क्या मॉनसून रीजन कब आता है जब समर की बात करते हैं समर के जस्ट बाद तो अगर मेरे दिमाग में ये आ गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो सर्दियों की बात कर रहा है तो डेफिनेटली नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन तो होगी ही होगी तो आप देख लो शब्द डिफिकल्ट कर सकते हैं पर आपने लॉजिक सही लगाना है तीसरा विंटर रेन्स लेके आता है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो ये हमें पता है कि अगर आपने मॉनसून पढ़ा है कि विंटर में क्या होता है आ, थोड़ी बहुत रेन होती है इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी जो कि रावी क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है तो आपको पता है कि ऐसा भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है ठीक है तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन बताने की बात करूं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है ये एक टेम्परेट साइक्लोन है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो पहला ऑप्शन आपका गलत है मैं आपको मैप में भी दिखाती हूँ आपको कैसे पता हो सकता था सेकेंड येस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सर्दी के रीजन की बात करें मॉनसून की तो बात ही नहीं करें नॉन मॉनसूनल तो है ही है राइट एंड इंडिया की तरह वेस्ट इंडीज से आता है तो अगर आपने जनरल सर्कुलेशन पढ़ा है यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल दो लिमिट टेल यू ये तीनों ही जो डायरेक्शन है ही हमने एनसीआर से ली है और तीसरा हम विंटर की बात करें रबी क्रॉप्स के बारे में हमें अगैन पता है तो हमारा आंसर क्या है टू और अगर मैं आपको मेडिटेरेनियन रीजन दिखाऊँ ना अगर आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आता है राइट right? आपने पढ़ा है इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक यू हैव ट्रॉपिकल रीजन यानी यहां पे कौन से साइक्लोन्स आएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स

आई है ऑल दो ये लाइन ऐसी की ऐसी मानसून के चैप्टर में है बट क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी मानसून को याद रखना आप ये कॉन्सेप्ट भी सोच सकते थे ठीक है जी तो बेसिक से भी चीजें आंसर होती हैं दैट इज व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर दैट इज वाइट मैं आपसे बेसिक पॉइंटर्स डिस्कस कर रही हूं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था सो मेट क्वेश्चन देखते हैं अब एफ ए का फूड प्राइस इंडेक्स है टेक्निकली इंडेक्सेस में आप क्या पढ़ते हैं कि आ, कौन सा इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एनजीओ जो है रिलीज कर रही है पर यहां पे आपको उसका डिटेल पूछ लिया ना तो ऐसा पेपर में एक ही क्वेश्चन होगा सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेप कैसी है अब मान लीजिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछने की बात कर रहे हैं तो एफ ए नाइन्टी सिक्स में आया था राइट लेकिन एफ ए जो है फूड कमोडिटीज का क्वार्टरली चेंज नहीं बताता बल्कि मंथली चेंज बताता है मैंने एक टू मिनट सीरीज भी कवर किया है इस पर और वहाँ पे भी कैटेगोरिकली मैंने यही चीज़ बताई थी लिंक आपके पीडीएफ uh, में अटैच है वहाँ से देख सकते हैं कि इस चीज़ पे ध्यान देना है क्वार्टरली चेंज नहीं बताता फूड प्राइस इंडेक्स बल्कि मंथली चेंज बताता है एंड अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट कि इसका जो बेस ईयर है उसको दो से सोलह माना गया है रिप्रेजेंटेशन के लिए और नेक्स्ट चीज़ ये जो इंडेक्स है बेसिकली आपको इंटरनेशनल फूड मार्केट में फूड कमोडिटी प्राइजेस कैसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं रियल टाइम में या नॉर्मल टाइम में उस चीज के बारे में बताता है तो आप फूड प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है के जो फूड का चैप्टर है एग्रीकल्चर है वहां से रिलेट हो रही है है चीज़ तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए ठीक है जी तो दिस इज दिस वाज अ टफ क्वेश्चन ठीक है अगर आपको ये नहीं भी आता था दैट इज आल्सो ओके लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आप मार्क करने की कोशिश करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अजर्शन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस एन वेस्टर्न कोस्ट ठीक है ईस्टर्न कोस्ट के बारे में सोचिए वेस्ट बंगाल उड़ीसा की बात कर रहे हैं और वेस्टर्न कोस्ट का मतलब है कि महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन की बात हो रही थी, है ठीक है इमेजिन करना जरूरी है अब मान लीजिए आपको नहीं पता या पता है अ सेपरेट इशू रीजन क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट रू मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट ये तो आपको पक्का ही पता है कि गलत है ये तो पक्की बात है कि वेस्टर्न कोस्ट के पास ज्यादा रेनफॉल है दैन द साउथ वेस्ट मॉनसून में पड़ी आप रहे हो अभी आपने डायग्राम देखा है कि जब आप अरेबियन सी ब्रांच की बात करते हो मॉनसून से वेस्टर्न रीजन में ही ज्यादा बारिश हो रही है इसका मतलब है ऑफ आपको अजर्शन आता है नहीं, आपको पता है कि आर इज फॉल्स तो आपका आंसर क्या होगा सी क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे डेफिनेटली ज्यादा जो है रेनफॉल है ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जिनसे ना आपके क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं यहां पे शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो इट शुड है चलिए डिटेल डिस्कशन के लिए आई हैव ऑलरेडी अटैच वीडियो और ये चीजें जो है ये ना हम अपने कोर्सेज में भी कवर करते हैं सो इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू स्टिल हैवंट सॉल्व दिस क्वेश्चन तो मेक श्योर की यू स्टिल हैव योर नोट्स आप जो है उनको जाकर रिवाइज करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी ज्यादा न्यूज में थी ये तो गलत होनी ही नहीं चाहिए तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में क्वेश्चन क्या है इट सेज रेजिंग अ नंबर ऑफ क्रॉप फ्रॉम द सेम फील्ड एक एग्रीकल्चरल सीजन में क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ नेट एरिया आपने सो किया हुआ है ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर राइट एंड थर्ड चीज वो क्या कह रहे हैं प्रेजेंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है वन थर्टी सिक्स परसेंट है और इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ जो है पच्चीस परसेंट बढ़ी है ठीक है इरेस्पेक्टिव ऑफ मुझे आता है या नहीं आता है आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सीजन के लिए अ डेफिनेशन कैन नॉट बी एज इट इज देयर क्योंकि कुछ फसलों को लेट uh, से कुछ फसलें खारिफ होती हैं राबी होती हैं तो वो छः छः महीने या तीन तीन महीने का रीजन है राइट right? जो ड्यूरेशन है कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनको दो दो साल भी लग रहे हैं सो एग्रीकल्चर सीजन विल बी डिफरेंट फॉर एवरी क्रॉप इसीलिए आप देखोगे सेकंड वाले में हमने एग्रीकल्चर ईयर की बात की हुई है राइट एग्रीकल्चर सीजन की बात नहीं की क्योंकि सीजन को डिपेंड अपॉन जिस फसल की आप बात कर रहे हो राइट right? तो इस वजह से एक स्टैंडर्ड पैरामीटर एग्रीकल्चर सीजन की बात कर ही नहीं सकता इसलिए इसीलिए आपका डायरेक्टली गलत हो जाएगा ऑल मैं आपको बता देती हूँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं मान लो कि आपके पास सौ एकड़ लैंड है ठीक है और आपने खारिफ में क्या किया आपने सौ एकड़ पूरी यूज की और राबी में आपने सत्तर में ही यूज की तो क्या हुआ एक बन गया तो अब आपकी इंटेंसिटी क्या बनेगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 170 डिवाइडेड बाय टोटल लैंड जितना था इनटू टू तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गई वन सेवेंटी परसेंट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पास सौ एकड़ लैंड थी खारिफ में आपने सौ यूज की और लेट से आपने राबी में भी सौ एकड़ लैंड यूज किया टोटल हो गया दो सौ तो दो सौ अपॉन सौ इंटू हंड्रेड दो सौ परसेंट हो गई आपकी जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी सो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ लुकिंग एट एंड सो इस टर्म से ही आपको पता लग जाना चाहिए था कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट तो आएगा ही नहीं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही नहीं सकता तो ए वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर ठीक है जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आइसोथर्म्स ना आइसोथर्म्स क्या होते हैं आपको पता है आपने मैप में भी देखा होगा मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऐसी लाइंस हैं जो सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को जो है जोड़ रही हैं राइट right? तो ये काफी डिटेल में आपके बुक में मेंशन भी है

टेम्परेचर बहुत ज्यादा बदला नहीं है इसलिए काफी देर बाद ऐसा पॉइंट आया जिन्हें जोड़ने की जरूरत पड़ी है इसलिए पहला ऑप्शन क्या कहता है है कि जो आइसोथर्म्स क्लोजली स्पेस्ड होंगे उसका मतलब टेम्परेचर जल्दी जल्दी बदल रहा है नेक्स्ट क्या है जनरली आइसोथर्म स्ट्रेट होते हैं लेकिन कॉन्टिनेंट्स और ओशन के जंक्शन पे बेंड कर जाते हैं देखो जनरली तो स्ट्रेट ही है लेकिन जैसे ही कॉन्टिनेंट uh, से ओशन की तरफ गए टर्न हो गए राइट right? आप देखो देर आर लॉट ऑफ टर्न्स इसका मतलब पता है कि टर्न क्यों है ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है बिकॉज कॉन्टिनेंट और ओशंस की हीटिंग प्रोसेस में डिफरेंट होता है राइट right? लैंड जो है कॉन्टिनेंट ज्यादा जल्दी हीट अप होते हैं उतनी ही जल्दी कूल cool डाउन भी होते हैं लेकिन वाटर में प्रोसेस इतना जो है जल्दी नहीं होता इसलिए आप देखोगे शार्प टर्न आ जाएगा इन दी वैल्यूज तो बहुत लॉजिकल है ऑल्दो इन वन ऑफ द प्रीमिक्स आई आई डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल आप वो प्रीमिक्स भी देख सकते हैं बट इतना छोटा सा लॉजिक है जो कि आपको पता होना चाहिए था चलिए लास्ट क्वेश्चन

कि कार्बन न्यूट्रल मोबिलिटी की बात करते हैं कि मोबिलिटी जो है मूवमेंट का जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन ना करें बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाए और इसके लिए किस तरह के टूल्स यूज कर सकते हैं किस तरह के मेजर्स यूज कर सकते हैं वो भी इस इनिशिएटिव में बताया जाता है सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकर्स विद द टूल्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट कैसे किया जाए बिकॉज इंडिया के अपने क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं आपको पता है पैरिस अग्रीमेंट में भी इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उनको किस तरह से पूरा किया जाए ना दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू सर्टन प्रोग्राम जो आपको पता होना चाहिए और बिकॉज दिस इज नीति आयोग का प्रोग्राम दिस इवेंचुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फील ठीक है तो इसका आंसर क्या है बोथ वन एंड टू तो यहाँ पे जो है हमारे डिस्कशन की जो है हम खत्म करते हैं आ, अभी भी दोस्तों टाइम है यू स्टिल हैव अ मंथ इफ यू थिंक uh, कि आप और मेहनत कर सकते हैं अमित शाह और आप इन सभी वीडियोस को देखें आपके पास प्री मैक्सेस की कंपाइलेशन है आप डाउनलोड uh, सेक्शन में जा सकते हैं स्ली क्लासेस के आपके पास टू मिनट सीरीज की कंपाइलेशन है आपके पास प्री क्योर की कंपाइलेशन है आपके पास डेली न्यूज एडिटोरियल्स की कंपाइलेशन है तो दिस शुड हैव बीन लाइक अ टेस्ट फॉर यू कि आपको किस तरह किस लेवल तक चीजें आती हैं जज योर सेल्फ एंड सी आप प्रिपरेशन को आगे किस तरह से लेकर जाए ठीक है जी चलिए दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड ऑल द बेस्ट हेलो एवरीवन तो आइए अब आपके हिस्ट्री के मॉक के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो या तो वो क्वेश्चंस हैं जिनकी इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार पूछे गए थे और अभी दोबारा से रिपीट हो सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं कि रिपीट होने के चांसेज़ रहते हैं तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछले टेंथ से ले ट्वेल्व ईयर्स के आप हिस्ट्री के क्वेश्चन स्पेशली वो कवर करके जाएं हर साल अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं तो अगर आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को भी कवर करेंगे तो सिर्फ 150 फिफ्टी क्वेश्चन बनेंगे जिनको आप बहुत ही अगर हम ऑप्टिमम लेवल पे बात करें तो अराउंड टू या टू तो से थ्री आर्स के बीच में कवर कर लेंगे तो रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप इस बार कवर करते हैं तो आपको पेपर के अंदर जाके बहुत ही हेल्प मिलेगी तो ये अगर हम पहले क्वेश्चन के ऊपर चलें तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था कि फंडामेंटल डिफरेंसेस कौन कौन से हैं अगर हम दिगाम्बर्स और शेतम्बर्स की बात करते हैं देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पहली स्टेटमेंट है कि दिगाम्बर्स दे कैन एक्सेप्ट वुमेन इंटू देयर सेक्ट वाइल द एंट्री ऑफ वुमेन वॉ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन शैतान्बर्स ये हमारी स्टेटमेंट ऑपोजिट दी गई है शैतान्बर्स के अंदर वुमेन्स की एंट्री अलाउड है क्योंकि शैतान्बर्स कपड़े पहन सकते हैं बट ऑन द अदर हैंड साइड दिगाम्बर्स के अंदर उनकी एंट्री अलाउड नहीं है तो वो कपड़े भी नहीं पहन सकते इस वजह से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो शायद शताम्बस का ये मानना था कि जब कोई मोंक एनलाइटनमेंट अटेन कर लेता है तब उसके बाद भी उसको खाने की ज़रूरत है अपने बॉडी को नरिश करने के लिए और दिगाम्बस ये मानते थे जब किसी मोंक ने एलाइटनमेंट या फिर ऑमनी सेंस प्राप्त कर ली तो उसके बाद उसको खाने की जरूरत नहीं है वही चीज़ आपके सेकंड स्टेटमेंट में लिखी गई है और अगर हम आपके थर्ड स्टेटमेंट की बात करें दैट दिगाम्बर्स कैन कैरी अ बॉल ऑफ़ फूड टू कलेक्ट द टू कलेक्ट फूड फ्रॉम हाउस होल्ड्स और शेतर सीधा अपने हाथों में खाना प्राप्त करते हैं ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शेतंबर्स को अपना बाउल है जो उसको कैरी करना अलाउड है पर दिगाम्बर्स सीधा अपने हाथों से खाना खाते हैं जो उनको मिलता है अपने हाथों में रिसीव करते हैं तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट ऑपोजिट दी गई है आपके आपने बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है तो कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री सो सी इज़ द राइट ऑप्शन आपको एक मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि, कि जब भी आपने स्टेटमेंट को माँ करना है तो आपने हमेशा ये पढ़ना है कि वहाँ पर करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे वहाँ पर उन गलती कर देते हैं कि इवन दो कि उन्होंने सही आंसर निकाल लिया फिर भी वो ये लगाए हैं कि अगर करेक्ट पूछा हुआ था तो वो इनकरेक्ट लगा आएंगे या फिर ज़्यादातर जो गलती देखी जाती है वो ये है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा होता है और वो करेक्ट आंसर लगा आते हैं तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा बाद में अगर आप उस एक क्वेश्चन की वजह से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चीज़ के लिए आप जितने भी मॉक टेस्ट करेंगे अभी से जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपने अपनी हैबिट बनानी है कि स्टेटमेंट को माँ करने से पहले ऊपर पढ़ना है कि करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट और जो भी पूछा गया है आप ने उसको वहीं पर मार्क कर लेना है ताकि अब वो सबकॉन्शियसली ये याद रहे कि उस चीज में क्या पूछा गया था उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि ये सबसेक्ट है किसी एक रिलीजन का कि स्थानक वासी वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सबसेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं ऑलमोस्ट हर साल किसी बुद्धिज़्म का सबसेक्ट उठा के पूछ लेंगे जैनिज़्म का उठा के पूछ लेंगे तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो स्थानका वासी भी जैनिज़म के अंदर श्वेतांबर्स का एक आगे इंटरनल डिवीज़न है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये है कि ये जैनिज्म का आगे एक पार्ट है उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें ये आपके एंशंट इंडिया में से है बेसिकली कल्चर से ही डील करता है ऑलमोस्ट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हम कह सकते हैं क्योंकि एक एनालिटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम आपको पता होगा कि हेट्रोडॉक सेट्स की अगर हम बात करते हैं सो देर वर अ टोटल ऑफ 62 टू हेट्रोडॉक सेट्स इन इंडिया जो वैदिक पीरियड के टाइम के दौरान यहाँ पर इंडिया में फ्लरिश करते हैं तो ये पूछते हैं कि एमरजेंस जब होती है इन सिक्सटी टू हेट्रोडॉक्स की उसके पीछे कॉजिंग फैक्टर्स कौन कौन से थे पहले ऑप्शन में ये कहते हैं कि ग्रोइंग ऑपोजिशन टू रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ ऑफ वेदास एंड ब्राह्मणस कि क्या वेदास और ब्राह्मणस के अगेंस्ट जो उन्होंने एक तरह से स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया हुआ था जैसे कि वरना सिस्टम हो गया या फिर हम बात करें कि यही इसी तरह से डिवीज़न होगी कास्ट सोसाइटी की तो उस हिसाब के अगेंस्ट कि ब्राह्मण्स के पास ही इतना रूलिंग पावर रहेगा कि ब्राह्मण सबसे पहले नंबर पे आएंगे फिर क्षत्रियस फिर वैश्यास और लास्ट में शूद्रास आएंगे या फिर हम बात करें कि ब्राह्मणस को ही सिर्फ पढ़ने लिखने की या फिर हम क्षत्रियास और शूद्रास को ही पढ़ने लिखने की अनुमति है वैश्यास को अनुमति है शूद्रास के पास नहीं है तो इस हिसाब से कि रिचुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ के खिलाफ काफ़ी ब्लै बैकलैश था जिस वजह से ये हेट्रोडॉक्स एक्ट्स आए दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो देखिए इस पॉइंट को हम कैसे लिंक कर सकते हैं हेट्रोडॉक्स एक्ट्स के साथ मान लीजिए जैसे कि वेदास के अंदर या फिर अगर हम पूरी वैदिक सोसाइटी की बात करें तो उसमें ब्याज पर पैसा देना अच्छा नहीं समझा जाता था ये माना जाता था कि अगर आप ब्याज पर पैसा दे रहे हैं तो वो आपके रिलीजन के अगेंस्ट था और अगर हम ब्याज पे पैसा नहीं देंगे या फिर नहीं लेंगे तो उससे अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो हम अपने ट्रेड एंड कमर्स को प्रमोट नहीं कर सकते पर उस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो ट्रेड एंड कमर्स अपने चरम सीमा पर था और हमारे को उस टाइम के अंदर कोई ऐसा नए रिलीजन् चाहिए थे जो इस चीज़ को और बढ़ावा दें जैसे कि आपने आपने देखा होगा कि वैश्यास को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिली थी बुद्धिज़म और जैनिज़्म के लिए क्योंकि उनमें क्या था कोई किसी तरह का वरना सिस्टम नहीं था किसी की भी तरह का कुछ नहीं था वैश्यास का जो स्टेचर था वो इंक्रीज हो रहा था सो दे वर एडिड इन टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सेक्ट थ्रू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कमर्स भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर था बिटवी बिहाइंड दिक्सटी टू हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स। और जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो है स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनमी इन द रीजन तो इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं मान लीजिए अगर हम वेदास की बात करें वैदिक प्रैक्टिस की बात करें तो उसमें क्या है कि एनिमल सेक्रीफाइस हम करते हैं एनिमल सेक्रीफाइस हमने कर दिया पर जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें एनिमल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है काउस की बुल्स की उनको चाहिए वो अपने फील्ड्स को प्लो करने के लिए बट ऑन द अदर हैंड साइड वैदिक प्रैक्टिसेस में वो सेक्रीफाइस कर दिए जाते हैं सो so, उसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा बैकलैश था और एक ऐसा रिलीजन चाहिए था जो नॉन वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स को प्रमोट करे जिसमें हम बेसिकली जैनिज्म और बुद्धिज़म की बात कर सकते हैं तो इससे इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द बब अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स थे कि वो इतने की इंडिया में आउट ऑफ ऑल 62 टू हेट्रोडॉक्स सिर्फ दो ही सेक्ट्स से ऐसे हैं जैसे कि बुद्धिज्म जो आज तक बचे हुए हैं तो उसके भी यही सेम तीन कारण हो जाएंगे अगर आपने एशियंट इंडिया अच्छे से पढ़ा है तो उस हिसाब के से आपको पता होगा कि इसके पीछे कारण क्या क्या थे तो डी ऑल ऑफ क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है अगर आपने मिड मिडेवल इंडिया अच्छे से पड़ी है उसमें हमारे रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम्स आते हैं तो उस हिसाब से उसमें एक रिवेन्यू फार्मिंग सिस्टम हमारा कौन सा है गल्ला बख्शी रिवेन्यू सिस्टम वो पूछता है क्वेश्चन कि इसको किस मुगल एम्प्रर के दौरान किस टाइम पीरियड के दौरान लाया गया था ऑप्शन है अकबर औरंगजेब हुमायूं हुआ या फिर शाहजहाँ तो क्वाइट ईजी है अकबर को हम बहुत अच्छे उसके टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं सो so इसका आंसर है अकबर इस गला बख्शी सिस्टम के अंदर आगे तीन पार्ट्स थे खेत बताई लंग बताई तो उस हिसाब से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आप इतना भी देख जाएं कि यह गला बख्शी सिस्टम एक तरह का वेन्यू फार्मिंग सिस्टम था जो कि अकबर के टाइम पीरियड के टाइम पीरियड के दौरान आया था उससे आपका क्वेश्चन वहाँ पर निकल जाएगा जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है चहलगनी या फिर कॉर्पस ऑफ फोर्टी के ऊपर बहुत फेमस पूरा एक सिस्टम था जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था तो उसमें क्या था कि जो भी राजा बनता था उसके आगे चालीस जो मेजर उसके पार्टनर्स होते थे पार्टनर्स इन देंस जो भी पावरफुल पीपल थे उसको वो आगे रखता था जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे उसके असेंबली के अंदर तो क्वेश्चन ये कहता क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो ग्रुप ऑफ फोर्टी था इसको अल्टीमेटली किसने ख़त्म किया था चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इलतुतमिश अलाउद्दीन खिलजी फिरो शाह या फिर बलबन तो जो इसका आंसर है वो है बलबन और इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि बलबन ख़ुद इस ग्रुप ऑफ फोर्टी का पार्ट था और जब वो ग्रुप ऑफ़ फोर्टी से निकल के राजा बनता है तब उसको पता है कि अगर मैं गद्दी से उतरूँगा तो तभी तब, तब उतरूँगा अगर मेरे पास इस कॉर्पस ऑफ फोर्टी का जो सपोर्ट है वो या तो ख़त्म हो जाएगा या इसी कॉर्पस ऑफ फोर्टी से कोई इंसान निकल के मेरी गद्दी पर बैठ जाएगा तो अपने आप को बचाने के लिए उसने इस पूरे सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया था सो द आंसर इस बल्बन प्लीज़ ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो इन चारों में से कौन सा अभी लेटेस्ट एंट्री है इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और ये पूछ रहे हैं इन in इंडिया आपने ध्यान रखना है कल को अगर आपको ये आ जाए कि इसमें मोहन भी दे दें मोहन भी एक बिजनेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पर यहाँ पर क्वेश्चन में इन इंडिया पूछा गया है तो आप मोहन मत करके आइएगा ये इंडिया की बात कर रहे हैं तो अभी जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो है ढोलावीरा की उसके साथ साथ जो सेकेंड एंट्री थी वो थी रुद्रेश्वरा टेम्पल या फिर रामप्पा टेम्पल उसके उसके ऊपर भी क्वेश्चन है जिसको आगे डिस्कस करेंगे तो दी आंसर इज ढोलावीरा इसको पूरा कवर करके जाइएगा आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें इस पूरे लेक्चर का जहां पर ढोलावीरा को हमने डिटेल में कवर किया है उसकी पूरी डिटेल्स है। उसको प्लीज देखिएगा जो प्रीसीडिंग <coughs> <coughs> सॉरी जो प्रीसीडिंग क्वेश्चंस भी थे उसमें भी हर एक लेक्चर का लिंक लगाया हुआ है प्लीज उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं पंद्रह में से दो या तीन क्वेश्चंस आपको वहां पर पेपर में मिल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही रामापक टेंपल के ऊपर है जो कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था पहली स्टेटमेंट ये कहती है दैट इट इज़ अ प्रोमिनेंट सन टेंपल दूसरा स्टेटमेंट ये कहती है दैट इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द काकातिया डैनेस्टी एंड थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि जब मार्को पोलो ने उस टाइम पीरियड के अंदर इस टेम्पल को विजिट किया तो उसने इस टेम्पल के लिए कौन सी लाइन कही थी दैट दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गलेक्सी ऑफ टेम्पल्स तो स्टेटमेंट्स आपके सामने है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपको इस टेम्पल के बारे में नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो ये है दैट कि ये सन टेम्पल नहीं है सन टेम्पल ना होके दिस इज अ शिवा टेम्पल जहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है सो तो आपका आंसर आ जाएगा बी टू एंड थ्री उसके अलावा जो दो स्टेटमेंट दी गई हैं एकदम सही है कि यह काकदिया डेनेस्टी के द्वारा बनाया गया था उसके टाइम पीरियड के दौरान इस काकदिया डिनेस्टी के अंदर एक मिलिट्री जनरल था उसने ये टेम्पल बनवाया था और सही स्टेटमेंट है कि जब मार्को पोलो यहाँ पर आया था उसने कहा था दैट दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गलेक्सी ऑफ टेम्पल उसका कारण ये है क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है जो इसकी फाउंडेशन है वो स्टार शेप में है तो इस हिसाब से आपको याद रहेगा कल को अगर आपको ये क्वेश्चन आता है उसके बाद हम बात करेंगे कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अराउंड 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम मिलिट्री गवर्नरशिप की बात करें तो में इंडिया में सबसे पहले किस फॉरेन रूलर्स के द्वारा इन्वेडर्स के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका जो चार ऑप्शन है वो है ग्रीक शाकास पारीथन्स और मुगल्स तो इसका आंसर है ए ग्रीक्स इन्होंने स्ट्रेटोस नाम के मिलिट्री गवर्नर्स सपोर्ट किया थे इंडिया में सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है इंटरमीडिएट लेवल का है तो चार आपको शहर दिए गए हैं और उसके साथ जुड़ी हुई जो उसकी खासियत है उसके बारे में पूछा गया है ए ऑप्शन कहता है दैट लोथल इट इज़ अ एंशंट डॉकयार्ड सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका फिर है नलंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग तो देखिए काफी इजी है अगर आपको आता हो तो आपको पता होगा कि जो फर्स्ट लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है वो सारनाथ के अंदर है ना कि राजगीर के अंदर है सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई तो आप ये सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर इज वन टू एंड फोर अगर आपको बाकी ना भी आते हो पर बाकी भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं बहुत ही ईजी स्टेटमेंट्स हैं यू मस्ट हैव नोन है उसके अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जलियावाला बाग मैसेकर के ऊपर देखिए इसमें जो पहला अभी हाल ही में इसको क्वेश्चन को पूछा क्यों गया है क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में है क्योंकि इसकी रेनोवेशन की गई है और जैसे कि आपको पता होगा कि जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उसकी रेस्टोरेशन होती है ना कि रेनोवेशन होती है जिसकी वजह से इसने बहुत क्रिटिसिज्म सा अभी छेल रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट और इसके चलते इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है पहली स्टेटमेंट ये कहती कि उस जगह टाइम पर जो वो लोग मारे गए थे दे वो उस जगह पर गैदर क्यों हुए थे इकट्ठे क्यों हुए थे क्वेश्चन स्टेटमेंट ये कहती है दैट दे हैड गैदर इन द ग्राउंड इन द ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट कि क्या वो रॉलेट अगेंस्ट एक्ट के अगेंस्ट वहाँ पर गैदर हुए थे सो so इसका स्टेटमेंट गलत है ये क्यों गलत है क्योंकि वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नहीं बल्कि उनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे सत्यपाल और उसके साथ साथ सैफुद्दीन किचली उनके जो उनको अरेस्ट कर लिया गया था एक तो उसके लिए वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उसको प्रोटेस्ट करने के लिए और जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि उस दिन बैसाखी थी जैसे कि आपको पता है कि बैसाखी का मेला बहुत यहाँ पर या मेला कह सकते हैं या दिन कह सकते हैं कि बहुत ही धूमधाम से पंजाब में मनाया जाता है क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो उस हिसाब से भी लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए थे ये बहुत बड़ा बाघ था और लोग वहाँ पर टहलने के लिए आए हुए थे ये दो प्रोमिनेंट कारण हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो आप सीधा अपने एमले एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन को सीधा बी पर पहुँच सकते हैं जो कि आंसर हो गया टू एंड थ्री देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है आपको पता है ये सही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी टू इंक्वायर अबाउट दी मैसेकर देखिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी आपने क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा हंटर्स कमीशन की जलियावाला बाग के बाद ये हंटर कमीशन बिठाई गई थी देखिए जो इसका असली नाम है जो ओरिजिनल नाम है वो है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि अगर इस बार ये क्वेश्चन आया तो यही नाम से आएगा इसका नाम हंटर कमीशन क्यों पड़ा क्योंकि इसका जो हेड था बंदा उसका नाम हंटर था उस नाम के आगे वो फिर चीज़ फेमस हो गई हंटर कमीशन के नाम से असली नाम है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो ये है कि उस टाइम के अंदर जो वॉयसरे के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो एक सोल इंडियन मेम्बर की रिप्रजेंटेशन थी जिसका नाम था सी एस नायर उसने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था इस पूरे प्रोसेस के प्रोटेस्ट में आपने जो पढ़ा होगा वो ये होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी थी इस प्रोटे इस मैसेकर के अगेंस्ट में और महात्मा गांधी जी ने अपनी जो केसर ए हिंद जो उनको टाइटल मिला था बोयर वार के दौरान जब वो साउथ अफ्रीका में थे और वार्क में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए नर्सिंग या फिर एम्बुलेंस क्या काम किया था तो उस वजह से उनको वो जो टाइटल मिला था वो उन्होंने वापस कर दिया था अब ये दो चीज़ें पढ़ते हैं जो तीसरी चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाती वो ये है कि सी एन नायर ने भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है आपने ध्यान रखना है तो काफ़ी कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं पर मैंने इसको इंटरमीडिएट लेवल में इसलिए रखा कि अगर आपको सिर्फ पहली स्टेटमेंट पता होती और आप बाकी दो भी ना पता होती तो वो भी पहली स्टेटमेंट को यूज़ करके आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते थे फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं जब वो गवर्नर जनरल था तो उस टाइम पीरियड के दौरान इन चारों में से कौन सी चीज़ नहीं हुई थी क्रिएशन ऑफ स्टेचुएटरी सिविल सर्विस सेकेंड ऑफ गो अनवॉर पासिंग ऑफ द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट और पासिंग ऑफ द फर्स्ट एक्ट फैक्ट्री एक्ट देखिए अगर हम लॉर्ड लिटन जी की बात करें जी लगाने की तो वैसे जरूरत है नहीं अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो सबसे फेमस जो उसके साथ चीज़ जोड़ी जा चुकी है वो ये है कि पासिंग ऑफ द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट तो जब उनका जीवन काल था जब उनका सर्विसिंग टेन्योर था तो वर्ने, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट बहुत फेमस है जो उस टाइम पीरियड के अंदर पास हुआ था सेकेंड अफगान वॉर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये हुआ था क्योंकि जब उस टाइम पीरियड का जो प्राइम मिनिस्टर था दरसेली स्पेशली उन्होंने लॉल डिटन को यहाँ पर इसीलिए भेजा था कि आपने अफगान फॉरवर्ड पॉलिसी वहाँ पर जाके प्रमोट करनी है तो ये आपने ये भी पढ़ा होगा क्रिएशन ऑफ स्टेचुएटरी सिविल सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर जब आप अपने मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं तो स्टैचुएटरी सिविल सर्विसेज भी लॉल लिटन के द्वारा ही शुरू की गई थी जो लास्ट में बच जाता है वो है फर्स्ट फैक्ट्री एड ये जो चीज़ है ये किस टाइम पीरियड के दौरान आई थी ये आई थी लॉर्ड रिपन के दौरान ये लॉर्ड रिपन के दौरान इसको पास किया गया था तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है हो सकता है आपको आता हो हो सकता है नहीं आता हो ऐसे क्वेश्चंस पे आप बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले सकते कि आपको क्यों नहीं आया या आ गया मैक्सिमम से मैक्सीम आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप एक या दो क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स में रह सकते हैं फिर बाद में आप तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि फिफ्टी परसेंट रह जाएगी कि आप सही स्टेटमेंट तक पहुँच जाएंगे उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्सनैलिटी के ऊपर लास्ट दो तीन साल से पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि इस स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको किस पर्सनैलिटी की याद आती है इसमें जो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन कहता है दैट ही वाज बॉर्न इन नगर हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रेजिडेंसी दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है दैट ही सॉट टू इंटरग्रेट वेस्टर्न कल्चर इंटू द बेस्ट फीचर्स ऑफ इस फिर तीसरी ऑप्शन ये कहता है कि ये अपने जीवन काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे एज राइटिंग सर्विस कमेंसिंग एज अ प्राइवेट क्लर्क मुंशी टू थॉमस वुड्रॉफ और चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि इनको एज अ एन भेजा गया था ऑफ मुगल एम्प्रेयर अकबर शाह टू किसके दरबार में इन द किंग विलियम फोर टू इंक्रीज द मुगल एम्प्रायर्स अलायंस तो देखिए चार ऑप्शंस हैं बहुत ही अगर तो आपने चीज़ों को पढ़ा है अच्छे से तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा पर अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए आप इस आंसर तक नहीं पहुंच सकते देखिए जो इसका सही आंसर है वो है राजा राम मोहन रॉय इसके पीछे आपके कहानी भी सुना देता हूँ कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है जो इनको ये टाइटल मिला हुआ है राजा का आपने कभी अगर सोचा हो कि इनको ये राजा का टाइटल क्यों मिल गया तो ये राजा का टाइटल इस पीरियड के दौरान ही मिला था इस पूरी स्टोरी के दौरान तो मुगल एम्प्रर जो अकबर शाह टू था वो चाहता था कि मेरी जो अलाइंस है वो बढ़ा दी जाए तो वो क्या था वो चाहता था कि राजा राम मोहन रॉय कि वो क्योंकि उनको वेस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता था उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती थी तो वो चाहता था कि कोई ऐसा इंसान जाए जो मेरे को रिप्रेजेंट कर सके इंग्लिश किंग के आगे तो उन्होंने राजा राम राम मोहन रॉय जी को चुना उसके बाद ये एक प्रोसीजर था कि सिर्फ कोई राजा ही वहाँ पर जाके किंग को मिल सकता था या फिर बहुत ही कोई हाई डिग्नेटरी या फिर कोई बहुत ही हाई पोस्ट पे कोई बंदा हो वही जाके किंग को मिल सकता था कोई भी आम इंसान किंग को नहीं मिल सकता था तो इस सारे प्रोसेस को इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने मुगल एम्परर अकबर शाह ने अकबर शाह टू ने राम मोहन रॉय के आगे राजा नाम लगा दिया था कि इसका नाम भी राजा राम मोहन रॉय है तो इस हिसाब से आप इस पूरी स्टोरी से याद रख सकते हैं कि इस प्रोसेस के साथ राम मोहन रॉय जी के नाम के आगे राजा लगता है तो उनका नाम बन जाता है राजा राम मोहन रॉय इसके अलावा अगर मैं चाहता तो इस पूरे क्वेश्चन को इजी भी बना सकता था अगर इनकी जो फेमस बुक्स हैं जैसे कि गिफ्ट टू मोनोथीजम ऐसे कोई बुक या को यहाँ पर डाल देता तो आप सीधा वहाँ पर सिलेक्ट कर लेते कि यही आंसर होगा पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के हैं जिस वजह से आप अगर स्लीपी क्लासेस के हिस्ट्री की प्ले में जाएंगे वहाँ पर मॉडर्न इंडियन पर्सनैलिटीज़ के नाम से एक पूरी प्ले है वहाँ पर अराउंड सिक्स सेवन पर्सनैलिटीज़ को कवर किया गया है जो इस साल शायद आ सकती हैं प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी या फिर आप क्या कर सकते थे कि ये जो चार स्टेटमेंट दी गई हैं उसको एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते थे पर बहुत डिफिकल्ट दिफ, है चारों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सेम तरह की हैं ऑलमोस्ट सेम उनके करेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट था जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में से तो ये क्वेश्चन कहता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे कॉजेटिव या फिर फे बैकग्राउंड फैक्टर्स कौन कौन से थे पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि जो गवर्नमेंट की हॉस्टेलिटीज़ थी इन दी फॉर्म ऑफ रोलरट एक्ट जलियावाला बाग में वो एक तरह से रोल प्ले कर रही थी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स थे जिसने एक तरह से जो उस टाइम की डिमांड थी कि हमारे को डे की मिलनी चाहिए पर वो बहुत ही इल स्कीम ऑफ डे की विच फेल टू तो सेटिस्फाई दी राइजिंग डिमांड वो उसके पीछे कारण थी और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी जो कि

उस अंदर उसके अंदर सी डब्ल्यू सी ने एक ऑथराइजेशन दे दी थी टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबिडेंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि फेब्रवरी 1930 में सी डब्ल्यू सी मीटिंग एट साबरमती आश्रम इन्वेस्टेड गांधी जी विद फुल पावर्स टू लॉन्च द सी डी एम मूवमेंट एट टाइम एंड प्लेस ऑफ हिस चॉइस तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपके नॉर्मल नोट्स में ये चीज़ें नहीं दी होंगी तो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है सी बोथ वन एंड टू इज़ द राइट ऑप्शन इसको आप ध्यान से करिएगा 1930 के डांडी मार्च को नॉन कोऑपरेशन सॉरी सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को ध्यान ध्यान से करिएगा क्योंकि इसके अभी 100 साल हो चुके हैं 2021 में है 101 साल है तो उस हिसाब से इस बार इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो जो आप आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री में से वो है कि 1857 फिफ्टी रिवोल्ट में से ये इजी क्वेश्चन है एक तरह से क्योंकि अगर आपने 1857 फिफ्टी रिवोल्ट बहुत ही फेमस आपके कंटेंट में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है क्योंकि सबसे इजी चीज़ है तो ये कहते हैं जो उनके रीजनल रिवोर्ट्स हुए थे उसके जो लीडर्स हैं वो कौन कौन से थे कि वो करेक्टली मैच है नहीं है कि लखनऊ को कौन लीड कर रहा था बेगम हज़रत महल कानपुर में थे नाना साहेब झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई जी और फिर बिहार में थे कंवर सिंह जी तो आपने बताना है कि कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है देखिए मैं फिर से आपको यही बात कहूँगा कि इनकरेक्टली को ध्यान से पढ़िएगा सो इसमें सभी एक तरह से सही मैच्ड है सो डी नन ऑफ द इज द राइट आंसर तो ये थे आज के आपके पंद्रह क्वेश्चन जो आपके ओपन मॉक टेस्ट में से थे आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपको कहूँगा कि डरिए मत बहुत ज़रूरी है कि डरिए मत आपको नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कौन सी डिफ़िकल्टी लेवल होगा आपने सिर्फ ये सोच के चलना है कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ वही चीज़ पेपर में पूछी जाएगी आपने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना कि शायद मेरे को कोई कंसेप्ट नहीं आता उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा या मैं ये सर्टन रेलिवेंट पोर्शन छोड़ के जा रहा हूँ उसी में से पेपर आ जाएगा देखिए जिस हिसाब से आप दुनिया को सोचेंगे उसी हिसाब से दुनिया आपको पे करेगी अगर आप खुश रहेंगे तो उस हिसाब से आपको खुशी मिलेगी और वही सेम चीज़ आपके पेपर में भी रिफ्लेक्ट होगी अगर आप अपने मन में ये सोच के जाएंगे कि पेपर क्लियर करके ही आना है वापस तो किसी भी तरह से क्वेश्चंस वहाँ पर ऐसे हो जाएंगे कि आप जो पढ़ के जाएंगे वही आ जाएगा या आप गलत ऑप्शन भी मार्क करेंगे तो वही गलत ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा ये सच मान के चलिए ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ज़िंदगी के कि आपकी सोच के ऊपर आपकी ज़िंदगी निर्भर करती है बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से पेपर अटम्प्ट करेंगे कोई भी गलती नहीं करेंगे यही सबसे बड़ा दुख रहेगा आपको कि अगर आपने कोई चीज़ सही से वहाँ पर की और आप ऑप्शन गलत कर आए या फिर कोई आप ब्लंडर कर आए तो अच्छे से मेहनत करिएगा दिस वॉज ऑल थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दस इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चंस की जो आपके ओपन मॉक टेस्ट में आए थे ये ओपन मॉक टेस्ट हुआ था ट्वेल्थ सितंबर 2021 को और ये जो हमारे क्वेश्चंस थे इंटरनेशनल रिलेशन्स के ये कुछ करंट अफेयर्स पे बेस थे और कुछ स्टैटिक पोर्शन पे और मैं होप कर रही हूँ कि आपका ये जो पेपर था वो अच्छे से गया होगा और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा हमने कोशिश की कि हर एरिया से क्वेश्चन बनाया जाए ताकि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं उससे आप कुछ सीखें और उसको आप अपने यू पी एग्जाम में यूज़ कर सके ठीक है तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन है हमारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसके बारे में हमें बताना है कौन सा करेक्ट है हार्ड लेवल का क्वेश्चन है यानी अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं एक कंट्री को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दूसरा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब है ऐसी कोई कंट्री या टेरिटरी जिसके साथ इंडिया के म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस हो। तीसरा हाल ही में यूएई को डिक्लेयर किया गया है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय इंडिया तो हमें करेक्ट बताना है तो पहला जो स्टेटमेंट है अब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी इसको डिक्लेयर करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट तो मैं ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट करूंगी अब बाकी ऑप्शंस को देखें तो हमारा थर्ड तो करेक्ट है ही कि यूएई को डिक्लेयर किया गया रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ठीक है अब रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब होता है कि जैसे आप ले लीजिए यूएई को डिक्लेयर किया गया ठीक है तो अब यहाँ पे जो कुछ डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं अगर वो कोई ऑर्डर पास करेंगे तो वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं ठीक है ठेके? उसके लिए लेकिन फाइल करना होगा अ कॉपी ऑफ द डिक्री इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया ठीक है तो डिक्री की कॉपी फाइल करनी होगी इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन इंडिया तो जो यूएई का कोर्ट है उसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उस हिसाब से सेकेंड से स्टेटमेंट भी हमारा गलत है तो आई एलिमिनेट डी तो मेरा आंसर हुआ बी सिर्फ थर्ड करेक्ट है देखिए तो हमारा सिर्फ थर्ड करेक्ट है एक एक स्टेटमेंट देखते हैं पहला कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिक्लेयर करती है कंट्री को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी और ये होता है अंडर सेक्शन 44 ए ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यूएई के अलावा और भी कंट्रीज हैं जैसे यूके सिंगापुर बांग्लादेश मलेशिया एंड सो ऑन ये आपका अपने आप में में क्वेश्चन बन जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि एक कंट्री को जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिक्लेयर करती है और उसके हिसाब से आप जो भी वहाँ का कोर्ट ऑर्डर पास करेगा वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है और ये होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल कैजेट ठीक है तो सेकेंड भी इनकरेक्ट था थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था क्योंकि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यूएई को डिक्लेयर किया है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन अबाउट ओपन स्काई ट्रीटी कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है पहला इस ट्रीटी के अंदर एक मेंबर स्टेट स्पाई कर सकता है ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विदाउट द लाटर्स कंसेंट दूसरा इंडिया मेंबर नहीं है इस ट्रीटी का तीसरा रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो छोड़ रहा है ये ट्रीटी और चौथा यूएस ने छोड़ दिया है आफ्टर अक्यूजिंग रशिया ऑफ वायलेटिंग द पैक्ट अब ये जो हमारा ओपन स्काई ट्रीटी है ना तो इस ट्रीटी के अंदर एक मेंबर स्टेट जो है वो सर्वेलेंस कर सकता है ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन लेकिन उसके कंसेंट के साथ बगैर कंसेंट के नहीं हो सकता तो पहला ही इनकरेक्ट हुआ तो मेरा आंसर है ए ठीक है सारे स्टेटमेंट्स है, देखते हैं आंसर ए है स्टेटमेंट्स देखते हैं पहला इनकरेक्ट है अंडर द ट्रीटी अ मेंबर स्टेट कैन स्पाई ऑन एनी पार्ट ऑफ द होस्ट नेशन विद द लैटर्स कंसेंट उसके लिए एक कंट्री को एरियल इमेजिंग अगर करनी है उसको सेवेंटी टू आवर्स पहले नोटिस देना होगा और ट्वेंटी फोर आवर्स पहले उसको एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ अपनी बतानी होगी जो इन्फॉर्मेशन गैदर होएगी वो ट्रूप मूवमेंट्स पे मिलिट्री एक्सरसाइज़स पे मिसाइल डेवलपमेंट्स पे गैदर होएगी और बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ शेयर की जाएगी ठीक है स्टेटमेंट टू करेक्ट है इंडिया मेंबर नहीं है जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं इस ट्रीटी के वो नॉर्थ अमेरिका से हैं यूरोप से हैं और सेंट्रल एशिया से हैं टोटल थर्टी फोर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं ठीक है नेक्स्ट रशिया ने छोड़ दिया है ये भी करेक्ट है बेसिकली एक कंटेंशियस इशू हुआ था कि रशिया कंप्लाई नहीं कर रहा था ओ के साथ जो ओपन स्काई स्ट्रीटी है उसके साथ और रिलेक्टेंस दिखा रहा था टू अलाउ फ्लाइट्स ओवर कैलिन क्राफ्ट अब ये जो एरिया है इस पर अपने आप में प्रीलियम्स में क्वेश्चन बन जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है कि यूएस ने छोड़ दिया है ओएस आफ्टर अक्यूजिंग रशिया ऑफ वायलेटिंग द पैक्ट ठीक है काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इससे यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन बना देगी किसी भी स्टेटमेंट को घुमा के ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इजी लेवल का क्वेश्चन है क्वारविल कंसेंसस जो हाल ही में न्यूज में था वो इनमें से किससे जुड़ा हुआ है ऑप्शन है जी ट्वेंटी जी सेवन बिम्स्टिक या आश्रम तो हमारा जो क्वारविल कंसेंसस है ना ये जुड़ा हुआ है जी सेवन से तो आंसर है बी जी सेवन बेसिकली के कंसेंसस कॉनवेल एक एडवाइजरी मेमो का टाइटल है ठीक है जो मीटिंग हुई थी कॉन्वेल में उसमें जो कमिटी है ऑफ अकेडमिक्स एंड पॉलिसी मेकर्स जो सात जी सेवन कॉन्डिनेशन हैं उन्होंने एक एम्बिशियस एजेंडा रखा टू बिल्ड फॉरवर्ड बेटर फ्रॉम द पैंडमिका ताकि बेसिकली कि पैंडमिक के आगे एक अच्छा फ्यूचर बना सकें तो ये जुड़ा हुआ है जी सेवन कंट्रीज के साथ काफी इजी लेवल का क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई यूयू के ट्रेड एंड कोऑपरेशन ऑपरेशन अग्रीमेंट के बारे में और हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा ठीक है पहला कि ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो दिसंबर 2020 में साइन हुआ था बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन दूसरा अग्रीमेंट को रेटिफाई किया है यूके पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन यूरोपियन पार्लियामेंट ने तीसरा कि इसके हिसाब से कोई टैक्स नहीं होगा ऑन गुड्स और या लिमिट नहीं होगी ऑन द अमाउंट दैट कैन बी ट्रेडेड बिटवीन यूके एंड ईयू फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2021 और चौथा कि दे विल नो लॉन्गर बी ऑटोमेटिक रिकग्नेशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीपल सच एज डॉक्टर्स शेफ्स एंड आर्किटेक्ट्स अब हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है ठीक है ना तो जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट कि इसको रेटिफाई कर दिया है यूके की पार्लियामेंट ने और यूरोपियन पार्लियामेंट ने तो ये हमारा गलत है क्योंकि इस अग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है यूरोप जो यूके की पार्लियामेंट है उसने और उससे वो फोर्स में आ गया पर यूरोपियन पार्लियामेंट में अभी भी ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग है तो बी इनकरेक्ट है तो मेरा आंसर है डी देखें हमारा आंसर है बी पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि यह फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है साइन इन डिसम्बर ट्वेंटी बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन दूसरा इनकरेक्ट है कि ऑलरेडी रेटिफाई हो गया है बाय द यूके पार्लियामेंट एंड कंडीशनली केम इनटू फोर्स बट सो फार पेंडिंग द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि देर विल बी नो टैक्स ऑन गुड्स और लिमिट्स ऑन द अमाउंट दैट कैन बी ट्रेडेड बिटवीन यू के एंड ई यू फ्रॉम फर्स्ट आर्किटेक्चर एंड अकाउंटिंग विल लूज देयर ऑटोमेटिक राइट ऑफ एक्सेस टू ई मार्केट ऑल्सो देसट्रिक्शन और कोई ऑटोमेटिक रिक्शन नहीं होगा ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीपल सच एज डॉक्टर्स शेफ्स एंड आर्किटेक्ट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवनटीन प्लस वन कोऑपरेशन फोरम के बारे में हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है पहला कि लिथुएनिया ने हाल ही में क्विट कर दिया है सेवनटीन प्लस वन कोऑपरेशन फोरम दूसरा कि एक चाइना लेड फॉर्मैट है टू एक्सपैंड कोऑपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड द सेंट्रल एंड यूरोप ईस्टर्न यूरोप तीसरा कि कुछ सीई कंट्रीज ने डिक्लेरेशन साइन किया यूएस के साथ टू बैन चाइनाज फाइव जी नेटवर्क एक्सपेंशन करेक्ट कौन सा है हमें यह बताना है यहां हमारे ऑप्शन दिए गए हैं तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि अभी हाल ही में लिथुएनिया ने क्विट कर दिया है सेवनटीन प्लस वन कोऑपरेशन फोरम अब ये कहलाएगा सिक्सटीन प्लस वन दूसरा सही है कि ये चाइना नेट फॉर्मेट है जो 2012 में बना था इन बु एम है इसका टू एक्सपैंड कॉपरेशन बिटवीन बीजिंग एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप मेंबर कंट्रीज तीसरा करेक्ट है कि कुछ सी कंट्रीज ने डिकलेशन साइन किया यूएस के साथ टू बैन चाइनाज फाइव जी नेटवर्क तो आंसर है डी वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट देखें ऑल आर करेक्ट तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स बताए गए हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया और बाकी इंफॉर्मेशन कि इसमें इस इनिशिएटिव में ट्वेल्व ई यू स्टेट्स और फाइव स्टेट्स हैं फ्रेमवर्क का फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि ब्रिजेस मोटरवेज रेलवे लाइंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स मेंबर स्टेट्स में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन रिलेशन ऑफ इंडिया विथ अ सेंट्रलेशन कंट्री और हमें बताना है कौन सी वो कंट्री है तो पहला कि इंडिया ने इंजॉय किया है स्ट्रॉन्ग बाइलिट्रल टाइज इस कंट्री के साथ सिंस 1991 दूसरा इंडिया का इस कंट्री के साथ एक अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट है तीसरा दिस कंट्री हैज ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया बिड फॉर अ परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो कौन सी वो कंट्री है तो वो कंट्री है हमारी किर्गिस्तान तो आंसर है सी ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है अगर नहीं पता होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तो पता है पर उसके जो बेसिक्स हैं ना अगर वो नहीं पता तो नहीं आंसर कर पाओगे ठीक है कंफ्यूज हो जाओगे

स्टेटमेंट्स दिए गए हैं विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट अग्रीमेंट और हमें बताना है कौन सा करेक्ट है पहला ये प्रोजेक्ट अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूके के बीच में दूसरा इसका एम है टू डिजाइन डेवलप डिमॉन्स्ट्रेट टेस्ट एंड इवेल्युएट सिस्टम्स टू को डेवलप एंड एयर लॉन्च अन माइंड एरियन प्रोटोटाइप तीसरा ये जो प्रोजेक्ट अग्रीमेंट है ये साइन हुआ था अंडर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ठीक है हमें करेक्ट बताना है तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अग्रीमेंट है ना ये साइन हुआ था इंडिया और यूएस के बीच में तो आप हमारा इनकरेक्ट है तो ए को एलिमिनेट करो सी को एलिमिनेट करो टू तो सही है ही थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था अंडर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव और ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में ठीक है तो आंसर हुआ बी टू एंड थ्री तो ये जो अग्रीमेंट है प्रोजेक्ट अग्रीमेंट ये इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है बेसिकली जॉइंट डेवलप करना एरियल लॉन्च अन एरियल व्हीकल और ड्रोन्स इसका एम है टू डिज़ाइन करना डेवलप करना डिमॉन्स्ट्रेट करना जो प्रोटोटाइप बनेगा और ये साइन हुआ था अंडर द वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियम लेवल का क्वेश्चन है हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विथ रेफरेंस टू ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पहला कि ये लिंक करता है माले को विथ नियर बाय आइलैंड ऑफ बिलिंगली गुली फालू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है तीसरा ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इन मालदीव आफ्टर सिनेमाले ब्रिज चौथा ये प्रोजेक्ट को फंड दिया गया है यूएस डॉलर हंड्रेड मिलियन का ग्रांट और एक लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है यूएस डॉलर फोर हंड्रेड मिलियन का फ्रॉम इंडिया हमें इन करेक्ट बताना है ठीक है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये कनेक्ट करता है माले को विद नियर बाय आइलैंड्स ऑफ बिलिंगिली गुलीफालू फालू एंड थिलाफूशे इसमें अपने आप पे प्रलिप्स में क्वेश्चन बन जाएगा ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करता है अब ये सेकंड बिगेस्ट नहीं ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का जो वो मालदीव्स में कर रहा है और बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स में ओवरऑल ये जो सिनाम ब्रिज है ना ये चाइना का प्रोजेक्ट है मालदीव्स में ठीक है लेकिन हमारा जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो इससे भी बड़ा है तो थर्ड स्टेटमेंट हुआ इनकरेक्ट ठीक है तो जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इट विल कंसिस्ट ऑफ 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एंड कॉजवे लिंक बिटवीन माले एंड द थ्री नियर बाई आईलैंड ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेगा इट इज नॉट ओनली द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट इंडिया इज डूइंग इन द मालीव्स बट ऑल्सो द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द मालीव ओवर होल ठीक है प्रोजेक्ट को दिया गया है यूएस डॉलर हंड्रेड मिलियन का ग्रांट और लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है यूएस डॉलर फोर मिलियन फ्रॉम इंडिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है कि जो आगलेगा लेगा आइलैंड है जो कई बार न्यूज़ में रहता है वो इनमें से किस कंट्री से जुड़ा हुआ है ऑप्शन है मालदीव्स मॉरिशस सीशल्स या इनमें से कोई नहीं तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था तो ये जो आगलेगा आइलैंड है ये हमारा जुड़ा हुआ है मॉरिशस से तो आंसर हुआ बी मॉरिशस अब ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली मॉरिशस ने डिनाई कर दिया है कोई एक रिपोर्ट दैट इट हैज़ अलाउड इंडिया टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस ऑन द रिमोट आइलैंड ऑफ एगलेगा और इट वॉज रिपोर्टेड बाई अ न्यूज ब्रॉडकास्टर की एक एयर स्ट्रिप और टू जेटीज एंड इंडियन मिलिट्री बेस एक एगलेगा आइलैंड में अंडर कंस्ट्रक्शन पे है पर मॉरिशस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा और इसलिए ये न्यूज़ में था नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इजी लेवल का क्वेश्चन है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं हमें बताना है कौन सा करेक्ट है आई आर पढ़ना शुरू करेंगे तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप पहले ही आ जाता है तो इसलिए काफ़ी आसान है पहला कि ये ग्रुप है ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज जो सीख करती है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दूसरा इट वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग द एक्सप्लोजन इन नाइनटीन सेवेंटी फोर ऑफ अ न्यूक्लियर डिवाइस बाय अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट तीसरा द एन एस डी टेक्स डिसीजन बाय कंसेंसिस हमें बताना है कौन सा करेक्ट है ठीक है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट सीक्स टू कॉन्ट्रीब्यूट न्यूक्लियर टू द नॉन ट्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ठीक है तो आंसर हो सकता है ए या डी सेकेंड स्टेटमेंट कि इट वॉज क्रिएटेड फॉलोइंग द एक्सप्लोजन ऑफ अ न्यूक्लियर डिवाइस बाय अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट ये भी करेक्ट है तो आंसर हुआ डी वन टू एंड थ्री ऑल आर करेक्ट देखिए ऑल आर करेक्ट ठीक है और एन में जो डिसीजन है वो कंसेंसस से लिए जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो इंडिया में हुआ था ना 1974 न्यूक्लियर डिवाइस का एक्सप्लोजन उसके बाद ये बना था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप इंडिया ने बेसिकली बोला था ये कर रही है टेक्नोलॉजी टेस्ट फॉर पीसफुल पर्पसेस बट इन कंट्रीज ने बोला कि इसका मिस हो सकता है इस ग्रुपिंग में 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स हैं और जो एन गाइडलाइंस हैं आर इंप्लीमेंटेड बाय ईच मेंबर इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल लॉज एंड प्रैक्टिसेस और एन कोई भी डिसीजन कंसेंसस से लेता है ठीक है तो ये थे हमारे दस क्वेश्चन मैं होप कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन यू बनाती है थैंक यू सो मच